बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, हे नलुओं की बीतक, अब कहो आगे परियान की, कहो सो हकीकत, कहो सो हकीकत। रामचंद्र वकील के प्रणाम प्रदर्शन जी। अब तक जो बीतक हमने सुनी है, पांच नलुए औरंगजेब के दरबारियों के पास कैसे पहुंचाते हैं और वो उनका उत्तर लिख करके नहीं देते हैं, तो जो सुंदर साथ जो कांजी भाई जी जो थे नलुए पहुंचाने की सेवा करते थे, अब वो श्री जी के पास आकर के कहते कि हे श्री जी धाम धानी, ये कोई भी लोग इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और ना कोई जवाब लिखने को तैयार है और ना कोई औरंगजेब को ही कहने को तैयार है। तो अब ये बात करके अब फिर से अब कोई दूसरी योजना बना रहे हैं। उन्होंने पहली योजना क्या बनाई थी कि हम इनके दरबारियों को पत्र देंगे तो ये पढ़ करके बादशाह को देंगे तो हमसे बात होगी। तो अब ये कार्य पूरा नहीं हुआ, तो अब ये कह रहे हैं अब दिल्ली में ही बैठ करके कोई रामचंद्र वकील जी हैं उनके घर पे जा करके उनको प्रबोधित करते हैं कि चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखा अंकुर मोमिना। बहुत दिनों तक उनको चर्चा सुनाई पर उनके अंदर कोई परमधाम का अंकुर नहीं था, इसलिए वो इसमें कोई रुचि रखी ही नहीं। तो अब करते और एक कोई सुंदरी नाम की कोई सन्यासी, अर्थात जब श्री जी जमुना जी के किनारे, जैसे जमुना जी यहाँ पर भी अपने पास में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, तो कभी सुबह शाम घूमते टहलते श्री जी गए होंगे, वहाँ बैठे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तब कोई सन्यासिनी कोई महिला भी आई और श्री जी प्रणाम किया, लेकिन ऊपर की पहचान वो कर पाई, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताएं, उसको केवल दर्शन करके वापस चली गई। उनको लगा कि ये तो वैसे ही कुछ मतलब सामान्य साधु महात्मा है, ऐसा करके वो चली गई। मास दोए नलुओं में ने किया गुजरान इत, दो महीने दिल्ली में वहाँ पर केवल नलुओं का उत्तर देने के लिए कि भाई हमें कोई उत्तर दे, दो महीने तक सुंदर साथ भटकता रहा पर उन दरबारियों ने कुछ एक अक्षर भी लिख करके नहीं दिया। पहुँचा उन्हें पैगाम को दावत जो कयामत, जो सुंदर साथ ने पैगाम दिया था उनको, वो किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब फिर बैठ परियान को जाए दूर बैठे से राज, अब उन्होंने दोबारा से मीटिंग बुलाई, सब सुंदर साथ की सभा बुलाई, आपस में मसलत करी क्या करना है आज, बोले अब दोबारा करेंगे, अब हम दूसरा रास्ता क्या अपनाएं, क्यों इन्होंने पहला रास्ता क्या था कि हमें नलवे देंगे तो बात हो जाएगी, तो ये तो हुई नहीं, दो ढाई महीने हो गए। अब उन्हें दूसरी करी, साथ कहता एक दिल्ली का और कहता एक महाजर, मसलत करी बाग में क्यों पर पावे खबर। कई सारे दिल्ली के जो स्थानीय सुंदर साथ थे और बाहर के सुंदर साथ थे और सब जो वरिष्ठ सुंदर साथ थे श्री जी के साथ में, सब ने एक बाग में जा कर के, क्योंकि वो किसी मोहल्ले में जा कर के चर्चा विमर्श करते तो किसी को कोई शक हो जाता, इसलिए दूर जा कर के ये विचार विमर्श करने लगे। एक बात दिल में ले लो, तुम्हारी बीतक श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिया है हक। धामधनी अब सब सुंदर साथ को प्रबोधित कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हमें यह बात अवश्य दिल में धारण करनी चाहिए कि ले लो तुम्हारी बीतक और ये बीतक जो बीतक अभी दिल्ली में घटनी है, सदगुरु महाराज ने संकेत रूप में उनको पहले ही अंतर्धान से पहले ही कह दी थी और कह रहे कि धाम धनी ने हमें इसी कार्य के लिए ही यहाँ पर दिल्ली में भेजा है और मोहम्मद साहिब आए लेकर हक कलाम,
सो ल्याए तुम्हारे वास्ते कोई और न लेवे नाम। सुंदर साथ को श्री जी संबोधित कह रहे हैं कि मोहम्मद साहेब जो ये कुरान का ज्ञान लेकर आए, आप ये मत सोचना कि वो अरब के लोगों को लेके आए, नहीं, वो तुम 28वें कलयुग में यहाँ आने वाले हो और तुम्हारी पूर्व सूचना लेकर के पूरी दुनिया को सावचेत करने के लिए यहाँ पर यह ज्ञान लेकर आए और तुम्हारे लिए ही आए। इसीलिए अब तुम इनका नाम कौन लेगा, कुरान के गुड़ रहस्य को कौन सुनेगा, केवल तुम ही सुनोगे, तुम सुंदर साथ ही सुनोगे और कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ये कलाम तुम बिना और न कहूँ खुलत, इनके गुड़ रहस्य कौन खोल सकते हैं, केवल मोमिन मतलब जो सुंदर साथ हैं उनके द्वारा, ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही खुल सकते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं खोल सकता। ये मेहर कादर की हुई तुमको इतर, कादर यानी धाम धनी की मेहर तुम सुंदर साथ के ऊपर हुई है, इनके गुड़ रहस्य तुम ही खोल सकते हो। तो पैगाम को पहुँचाओ तो ये क्या करे तुम। अब उन्होंने श्री जी सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि अब हमने हमको वाया वाया संदेश नहीं पहुंचाना है, अब रूबरू सामने साक्षात्कार के रूप में पहुंचाना है। तो ये कह रहे हैं कि पैगाम पहुँचाओ तो ये क्या करे तुम, यदि तुम साक्षात ये पत्र लेकर औरंगजेब तक जाओगे तो तुम्हारा ये क्या कर लेंगे, जो कदी भेष बदले तो डर नहीं हम। सुंदर साथ भी कह रहे हैं यदि हम अब तक तो जब गए थे कई बार गए, लेकिन अपने जो व्यक्तिगत उनका जो भेष था, पोशाक था, वो हिंदुओं का था, उस समय जो भी पहन रहे होंगे, पगड़ी पहन रहे, कुर्ता धोती पहन रहे होंगे, जो कुछ था तो वो पहन गए थे। अब क्या करें, यदि हमें भेष बदलना पड़े, मतलब अर्थात उनके साम्राज्य में उनके जैसा भेष बदलना पड़े। क्यों बदलना पड़े, क्योंकि आशाजीत वकील ने कहा था कि एक हिंदी भाषा और हिंदू दोनों कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम भाषा बदलो। तो भाषा उन्हें बदली, पहले हिंदी में से फारसी भाषा लिखवाई, अब हिंदू से हिंदी भाषा से फारसी तो हो गई, लेकिन अभी हमारा भेष जो पोशाक था वो रह गया, वो था। अब और कह रहे हैं, जो कदी मार डार ही तो हमें मरने का नहीं डर। देखिए सुंदर साथ की कितनी बड़ी कुर्बानी है और धाम धनी पर कितना उनको विश्वास है कि पैगाम पहुंचाते समय सबको पता है कि औरंगजेब कितना अत्याचारी है, कितना क्रूर है, और वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानता, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजे महाराजों को भी कुछ नहीं गिनता है, तो हम तो बिल्कुल सामान्य एक सुंदर साथ हैं। यदि पैगाम पहुंचाते समय धाम धनी ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी मन में उनका जो जीव एक आशंका करते हैं कि यदि कभी ऐसा हुआ, अनहोनी हो भी गई कि जो कभी मार डाली तो हमसे हम मरने का नहीं डर, हमको मरने का डर नहीं है, क्योंकि हमने जब से अपने घर से एक कदम आगे बढ़ाया है तो धाम धनी का नाम ले करके, जैसे हम कहते हैं कि हमारे आर्मी में जैसे ब्लैक कमांडो होता है, वो सिर पे जो काला कपड़ा बांध के जाता है, अर्थात हम अपना कफन अपने साथ लेकर, क्या है, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी यही कह रहे कि हमने धाम धनी के नाम पे सब कुछ निछावर कर दिया है, और धाम धनी के ना कारी कामरी रे मुख को प्यारे लगे तू, मतलब ये राज्य के नाम पे हमने कारी कामरी ओढ़ी है, इसमें अब कोई रंग संसार का नहीं चढ़ सकता, अब चाहे हम मर जाए चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम ये दे करके रहेंगे, क्योंकि ये हम सुंदर साथ के लिए भी सिखापन है। कितना विपरीत माहौल होने पर भी सुंदर साथ कितना उत्साहित था, और हमारे सामने कितना साधारण माहौल होने पर भी हम बिल्कुल उत्साहित नहीं हैं। तो कर हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिक्र, यदि हम यहाँ कुछ हो भी गया, हमारा शरीर छूट गया, हमें मार दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, तो हम कहाँ जागेंगे, हम जागे अपने धाम में, धाम धनी के चरणों में, हमारे मूल तन पर आत्मा हमारी धाम धनी के चरणों में बैठी है, हम वहाँ पर जागेंगे, क्योंकि ना डोरी हाथ महबूब के राखे या फनाए, हमारी जो डोरी है, हमारा जीवन है, वो धाम धनी के मूल स्वरूप के हाथ में है, वो हमें इस जीवन इस संसार में जिंदा रखे अथवा फना करवा दे, वो उनके हाथ में है। तो सुंदर साथ कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सौंप दिया है,
हम इस पार रहें या उस पार रहें, हम तुम्हारे चरणों में ही रहेंगे। ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार। सब सुंदर साथ आपस में भी हैं, श्री जी मिल करके सब कह रहे हैं कि भाई हे सुंदर साथ जी, अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है और हमें दिल में विचार करना है। जैसा जिने उकले सो तैसा कहो करार। अब इसमें क्या कह रहे हैं श्री जी, सबकी सलाह मांग रहे हैं, एक सलाह दी भेष बदलने की, और अब दूसरों को भी पूछ रहे हैं भाई तुम में से भी यदि कोई और सलाह देना चाहते हैं, भाई बिना भेष बदले भी सीधी बात हो सकती है तो आप बताओ। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत, बाद में जा कर के ये नहीं हुआ भाई वहाँ पे जाए और तुम्हारा जो मिशन था वो ख़राब हो गया, ये हो गया, हमें तो पूछा नहीं, यदि हमको पूछते तो हम दूसरा कोई मार्ग बता देते हैं, लोग कहने के लिए मिल जाते हैं ऐसे। तो इसलिए सबको कह रहे हैं तीस वास्ते में कहो तो तुम जवाब करो इतना। इसलिए प्रत्येक सुंदर साथ को, छोटा हो बड़ा हो, जिसकी जितनी बुद्धि, सबको पूछा श्री जी ने। ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, कह रहे हैं हम धाम धनी के हुक्म से यहाँ पर बैठे हैं। ये इसलिए यहाँ इतना जोर लगा रहे हैं, कुरान में ये पहले से लिखा जा चुका था, जो कल बात थी ना लो महफूज, मतलब लोहे की तख्ती पर ने धाम धनी के दिल में, मूल स्वरूप के दिल में पहले से, यहाँ आने से पहले लिखा जा चुका था कि दिल्ली में ये घटना घटनी है औरंगजेब को जगाते समय। इसलिए 1100 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी लिखी थी। हरिद्वार के शास्त्रार्थ में ऐसा होना है वो कई हज़ार वर्ष पहले लिखे जा चुके थे, इसलिए वो समय जब नज़दीक आता है तो वो राज्य ही करवाते, सबके अंदर प्रेरणा भी वही जगवाते हैं। यदि किसी सुंदर साथ के अंदर ये प्रेरणा आ गई कि हम भेष बदल के जाएंगे, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई, धाम धनी ने करवाई, क्योंकि उनको पता है कि एक ही मार्ग है, आप मुसलमान बन के जाओगे तो ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं अथवा नहीं। तो ये सब कह रहे हैं दूसरे अपना अंकुर ए जो है सकुमार से। अब बोले कि दूसरी बात, हमें एक सकारात्मक हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो, हमें एक बात रखनी चाहिए कि वो हमारी बहन, मतलब धाम सैया हम सब बहन, वो भी एक मतलब परम धाम की सखी हैं, तो वो हमसे तो ये तो निश्चय एहज है हक बुरा ना करे मोमिन ना, वो चाहे कितना ही क्रूर हो लेकिन सुंदर साथ का मोमिन का वो बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि तफसीर हुसैनी में कई और ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि औरंगजेब कभी कुछ कुरान लिख रहा था या कुछ कर रहा था तो उनको अंदर दिल से आभास हुआ कि इमाम मोहम्मद मेहदी आएंगे, तो वो तब से उनका इंतज़ार कर रहा था, अब वो खुद मिलना चाह रहा है, इसलिए श्री जी को ही भी आभास है कि वो ऐसा नहीं करेगा, हक बुरा ना करे मोमिन, और ऐसा राज्य करने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो आत्मा कहाँ बैठी, राज्य के चरणों में बैठी है, इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये तो और हम और प्रमाणों को देखें तो नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यदि वो कोई हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, शरीर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मतलब कोई अस्त्र शस्त्र शरीर को काट सकता है आत्मा को नहीं काटता। नैनम दहति पावकः, यदि कोई कहे कि हमें आग में जला दिया जाएगा तो आग में कौन जलता है, केवल पंचभोग जो हमारा शरीर है वही जलता है, आत्मा नहीं जलती है। नाच एनम क्लेदयन्ति आपः, जो पानी है वो केवल हमारे शरीर को भिगाता है, हमारी आत्मा को गीला नहीं करता है। न शोषयति मारुतः, और हमारी आत्मा को पवन सुखा नहीं सकता है, केवल शरीर को सुखाता है, इसलिए हमारी आत्मा भी क्या है, नित्य है, अखंड है, इसलिए भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तीस वास्ते पैगाम पहुँचाना यही किया परियाना, सब बातें आपस में यही लिया दिल माना। अब उन्होंने मान लिया कि हमें पैगाम पहुँचाना ही है, अब ऐसा पूरी मीटिंग करते हुए सभा करते हुए जिस बाग में वहाँ बैठे थे सब सुंदर साथ, तो शाम हो गई और यूँ करते संध्या से उठ आए अपने घर, और कोई जो दिल्ली के सुंदर साथ थे वो अपने अपने घर चले गए, और श्री जी और दूसरे सुंदर साथ थे वो अपने जहाँ जिस हवेली में उन्होंने किराए पे ली थी वहाँ चले गए।
फिर तहाँ रात को मिल के बैठे मेहजद पंक्ति पर। फिर उन्होंने दोबारा वहाँ जा कर के भी वो सभा कर ही रहे हैं। तहाँ जा के सनदे गावत है कलाम। अब जो एक जो अपने शेख बदल जी थे उनको सनंद की वाणी देख रखी थी, तो जब भी उनको अवसर मिलता था वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जा कर के गाते रहते थे, ताकि कोई एक के अंदर भी अंकुर होगा या कोई हमें कोई उनका दरबारी सुन लेगा तो हमें कम से कम ले जाएगा, हमें बात करवाएगा, मतलब कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसे वो रोज़ करते थे। जोश भरे ना देखें दुश्मन खलक जो आम, उनके अंदर इतना उत्साह था, इतना जोश था, उनको ये डर नहीं था कि इस मस्जिद में चारों तरफ मुसलमान हैं, कोई हमें कुछ कर देगा भाई, कुछ डर कुछ भी बिल्कुल डर नहीं, बेखौफ होकर के वो जोश गा रहे थे। नित ही उत जाए के गावत है बानी, वो प्रतिदिन उनको पता है कि भाई सुबह सुबह इतने बजे ये लोग आते हैं, तो वो अपना जाते थे। शक दिल में ना आवी करे सब अपनी मानी, उनके दिल में कुछ भी शक है ही नहीं, एक लेस मात्र भी कोई शक नहीं है। जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार, निशंक चर्चा करते पर परवाह नहीं लगा। अब क्या कह रहे हैं उनके अंदर, क्योंकि जोश धनी सिर ऊपर, हमारे सिर के ऊपर साक्षात धाम धनी का जोश विराजमान है, और हमारी नज़र कहाँ, संसार में बिल्कुल नहीं है, हमारी नज़र राज्य के चरणों में है। अब जब ये रोज़ गाते हैं, अब इतने में एक दिल्ली का परिवार है, नंदलाल घड़ियालची लाया कबीले साथ इमाना, जो नंदलाल जी हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ चर्चा सुनते हैं, ईमान आ जाता है, तारतम लेते हैं, खिजमत में ठड़ा रहे रहती थी पहचान ना, वो हमेशा राज्य की सेवा में वहीं पे ही दिल्ली में रहता था। और राजा राम जो और बेटा शिवराम उनका जो भाई था वो भी ये सब लाए। मिल भाइयों मसलत करी रुका लिख सुनावे काना। अब ये दोनों भाई ने तैयारी की, क्योंकि जो नंदलाल जी थे वो जामा मस्जिद में रात के समय में घंटा बजाने की सेवा करते थे। जैसे अभी आप पन्ना में कभी जाएंगे तो ब्रह्म चबूतरे पे रुकेंगे, रात हो चाहे दिन हो 24 घंटे प्रत्येक घंटे में, मतलब एक बजाए तो एक बार घंटी बजेगी, दो बजाए तो दो बार टन टन बजेंगे, तो 24 घंटे वहाँ घंटी बजती ही रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही जामा मस्जिद में जो ये अपने नंदलाल घड़ियाल जो थे उनका काम ही यही था कि भाई अपने बारी में आपको घंटा बजाना था, तो इनकी जो बारी थी वो रात की बारी थी। घड़ियाल चले जाएंगे चौहड़े दरवाजे गुसलखाना। अब उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब कौन जाए, भाई रात के समय में आप जामा मस्जिद में जा नहीं सकते, पहरेदारी रहेगी, सिपाही रहेंगे, तो क्या करें, जो व्यक्ति वहाँ काम करता है वो जाएगा। तो लिख करके तैयार किया और चिपकाएगा कौन, गुसलखाना मतलब प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने, आप अंदर घुसेंगे तो आपकी नज़र बिल्कुल सामने पड़ेगी, वहाँ चिपकाएंगे। तीन रुके में लिखा जो कोई मुसलमान, और उसमें लिखा क्या रहेगा, यदि कोई इस्लाम का सच्चा मुसलमान होगा तो तिनको खबर कर तो तुम लाइए ईमाना, उनको ये अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि आप बिना इसको पढ़े कोई जाएगा तो उसको अल्लाह की लानत लगेगी, उसको फटकार लगेगी, उसको दुख मिलेगा, ऐसा डरा दिया। इसलिए वो अभी लिख रहे हैं, अभी चिपकाए नहीं है, अभी तो योजना बना रहे कि हम चिपकाएंगे, कि ऐसा से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, रूह अल्लाह मिस्र गाजियो आए अरस उतर, मतलब कि श्यामा जी जो हैं वो भी आ चुकी हैं, असराफिल आ गया है, जबराइल ये भी आ गए हैं, तो ये सब अर्स अजीम से जो भी भविष्यवाणी उसमें लिखी साक्षियाँ थी वो सब आ गए। खुद खसम के अंग साक्षात राजी महाराज खुदा ताला अल्लाह ताला भी आए हैं, उनके साथ ये सब सुंदर साथ भी आए हैं। सुन सावचेत होयो जिन करो गफलत, और वहाँ लिखा सावधान किया है तुम इस पैगाम को सुन करके सावचेत हो जाना, माया में मत भूल जाना, जिन करो गफलत इस दुनिया में तुम खो मत जाना, जो कुल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क़यामत। अर्थात अरब के धरती पर मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, मैं कल आऊँगा, किसी ने पूछा होगा भाई कब आओगे, तो बोले खुदा खुद आएगा और उसके साथ मैं भी आऊँगा और मेरे जो भाई हैं वो भी आएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारे जो दोस्त थे, उनके चार दोस्त थे, उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारा दोस्त नहीं है, बोले नहीं तुम नहीं हो, हमारे दोस्त कोई और हैं, वो आएंगे। बोले कब, कल आएंगे। अब कल मतलब आज रात हो दिन, कल परसों,
तो भले अब कल आएंगे तो उसका बातूनी अर्थ क्या लेते हैं, हम इस दुनिया में 1000 साल तक जो हमारा एक मतलब अभी 1 वर्ष 2 वर्ष 100 200 से करते हैं 1000 वर्ष होते हैं, तो परमात्मा ने खुदा का एक दिन होता है, हमारे 1000 साल और खुदा का उनका एक दिन, मतलब सुबह जब से सूरज उगता है और शाम को सूर्यास्त तक, और हमारी हमारा सौ साल होगा तो खुदा की एक रात होगी, तो कितने साल हो जाएंगे 1100, एक दिन 1000 साल और एक रात यानी 100 वर्ष, तो 1000 और 100 कितने हो गए 1100, तो अर्थात वो मैं कल आऊँगा। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं कल आऊँगा, खुदा खुद आएंगे, उनके साथ मैं आऊँगा और मेरे दोस्त हैं वो भी आएंगे, ये सब आएंगे, कब कल। अब कल कब मतलब 1100 वर्ष के बाद। अब मोहम्मद साहब गए, 1100 वर्ष हुए, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ये दिल्ली में जहाँ खड़े हैं ना अभी ये रुका लेके खड़े हैं 2-4 महीने से, और बिल्कुल 1100वां वर्ष चल रहा है, जैसे हरिद्वार में जब गए थे तो क्या हुआ, विक्रम संवत 1735 चल रहा था, उसी समय ही जाना था, उसी महीने में ही जाना था, इसलिए वो गए थे, तो यहाँ भी वो बिल्कुल उसी समय ही गए, यदि वो छोड़ दिए होते कहीं और चले गए होते तो जो ये साक्षियाँ थी वो गलत हो जाती, इसलिए धाम धनी ने घुमा फिरा करके उनको अभी दिल्ली में ही रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रहना तो दिल्ली में ही है। बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार में, और सावधान चेतावनी कि पहले सबके सामने लिख दे रुको ठहरो, बिना पढ़े इसको कोई अंदर जाएगा तो खुदा की लानत लगेगी, ऐसी फटकार मिलेगी कि तुम्हारा कुछ भी अनर्थ हो सकता है। कह दिया तिनको लानत खुदाए की पहुँचे न परवरदिगारा, और यदि वो नमाज पढ़ भी लेगा बिना रुके को पढ़े तो बोले तुम्हारी नमाज कबूल भी नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी, इसे तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी। हम अपने सिर का उतारा थे फरज, उसे नीचे लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें तो केवल तुम तक सुनाने के लिए एक हमारा अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तुम सुनो अथवा ना सुनो, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको हो गरज। इसको इस रुके को पत्र को पढ़ने के बाद जिस मुसलमान को ऐसा लगे कि हमें इस व्यक्ति को मिलना चाहिए और जानकारी चाहिए और हमें ये भविष्यवाणी कहाँ लिखी है कैसे लिखी है इन सबको कैसे घटाया है, यदि आपको कोई गरज है आपको अपना कोई स्वार्थ है तो क्या करना आप ढूंढ लेना, तो शायद उन्होंने कुछ एड्रेस लिखा होगा या कुछ संपर्क सूत्र लिखा होगा कुछ तो कहा होगा। ये रुका लिख के दिया हाथ नंदलाल, जो नंदलाल जी जो थे वहाँ जो उनके हाथ में पकड़ा दिया, ले भाई लीजिए, गोंद लगाए रात को चोहोड़ियो होए के दिल खुशहाल, छुप छुप के नहीं गोंद लगा के अब दिल में एकदम खुशी हो करके देखो मैं ये राज्य का कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ और मैं जो सेवा यहाँ कर रहा हूँ और धाम धनी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अखंड हो जाएगी, क्योंकि दिल में खुशी ले करके वो सेवा कर रहे हैं। तब घड़ियाल जी ने सिर चढ़ाया हुक्म, बोले धाम धनी के सिर को सिरोधार्य किया, रात को रुका चोहड़िया कछु न खाया गम, बिल्कुल दुखी नहीं हुआ कि कोई पकड़ लेगा मुझे चिपकाते हुए देख लेगा या कोई कह देगा इसने चिपकाया है तो बादशाह क्या करे, बोले नहीं हमें कोई फिक्र है ही नहीं इस चीज़ की, उन्हें आराम से चिपका दिया। जब हो गई फजर हुआ रुका जाहिर, जब थोड़ा उजाला हुआ लोग आने लगे पढ़ने लगे आपस में बातें करने लगे तो सब में जाहिर हो गया, रुका पढ़ के बैठी जो आते थे बाहर, और हर व्यक्ति को जो भी आता था रुके को पढ़ता हुआ पढ़ करके उसके बाद वो हाथ पैर धोकर के अंदर जाता था। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ एक पहर, अब सुबह सुबह लगभग 6 बजे उजाला हो जाता है तो 6 बजे से लेकर एक पहर हो गया, नहीं अब दिन के 9 बज गए हैं, और तब तक तो बहुत लोगों के जो व्यक्ति आके नमाज पढ़ के अपने घर गया अपने मोहल्ले में गया होगा वहाँ के लोगों को सुनाया होगा वो लोग फिर और आए होंगे चलो हम भी जा कर के देखते हैं, फिर उन्होंने बोला हाँ भाई वो व्यक्ति कह रहा था अच्छी बात है वो सही बात है, ऐसे करते करते ये बात बहुत दूर तक फैल गई। यूँ कर
बाँचत बाँचत रुके को कई पढ़ पढ़ गए अनेक, पढ़ते लिखते पढ़ते लिखते तो कई गए और कई नए आते रहे। सोर भया दरबार में, अब ये कहाँ तक पहुँच गया, जो जिसको चाह करके ये रुका चिपकाया था वही हुआ। सोर भया दरबार में, अब धीरे धीरे ये बात कहाँ तक गई, औरंगजेब के दरबार तक चली गई। और सुंदर साहब चाहते भी यही थे, चार महीने से मेहनत भी इसी के लिए कर रहे थे कि कोई तो एक हमके सुराख मिल जाए जो औरंगजेब पढ़ ले, कि भाई कोई मोमिन मतलब कि ईसा रूह अल्लाह के जो लोग हैं रुका ले करके पैगाम ले करके मोहम्मद साहब के लोग आए हुए हैं इमाम महदी के, तो वो खुद इंतज़ार में था। जब उनको ये बात पता लग गई, भाई खबर सुल्तान, अब सुल्तान के कानों में भी उनके किसी विशेष व्यक्ति ने, क्योंकि जब बड़े बड़े राजा महाराजा तो अपने गुप्तचर रखते ही थे, इसलिए उनको तो तुरंत पता लग जाता था। मंगाए लिया रुके को तब भाई पहचान, उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को कहा, भाई उस जो चिपकाया हुआ है बिल्कुल एकदम सही सलामत उतार करके लाना, फटने मत देना। तो खिजमत शेख सलमान की रुका पहुँचावत जब, अब उनको ये अंदेशा हो गया औरंगजेब को कि कहीं न कहीं जिस व्यक्ति ने इतना साहस किया है, मतलब शेर के मुंह में अंगुली करना, उसको छेड़खानी करना, कोई व्यक्ति जो इसके अंदर साहस होता है वही कर सकता है, नहीं तो हम तो केवल बिल्ली से ही डर जाते हैं, बिच्छू से चिपकली से ही डर जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं घर में। तो बोले ये हो ना हो, इन लोगों ने बहुत मेहनत की होगी और जिस व्यक्ति को स्पेशल रखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की फरियाद कुछ भी हो तो वो आप सुनना और हमें बताना। तो उनको पता कि ये शेख सलेमान के घर ये जो मोमिन है वो कई बार उनके चक्कर काटे हों घर के, प्रार्थना की होगी, निवेदन किया होगा, इसलिए फिर भी इसने नहीं पहुंचाया होगा। तब गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर, तब उसको बोला कि भाई तुझे इसी काम के लिए रखा था, स्पेशल सूचना देने के लिए, क्यों ये रुका आया ते ना करी खबर। बोले कि इन लोगों को मजबूर हो करके वहाँ चिपकाना पड़ा, इसका मतलब सीधा सा यही है कि तुम्हारे पास ये रुका लेकर के आए थे और तुमने लिया भी नहीं और मुझे बताया भी नहीं। इन रुके से मालूम भाई ये फरियाद तुझ ऊपर मतलब तुझ के तेरे पास भी आए थे, पहले तेरे घर में भटके फिरे हैं, जब तेरे घर पे आ करके रुका ले करके पत्र ले करके भटके फिरे हैं ये लोग, ते कानों जब ना सुनी उन रुका चोहड़ो तब, वे तूने कानों नहीं सुनी। ये कौन कह रहा है, औरंगजेब शेख सलेमान को डांट रहा है गुस्से में कि भाई ये ऐसा किया होगा, इसलिए अब वो बेचारे विवश हो करके यहाँ उन्होंने ये अंतिम उपाय किया है। तोको में जो रखिया था इसी काम ऊपर, तुझे खिला पिला करके तनख्वाह दे करके क्यों रखा था, इसी काम के लिए रखा था, पैगाम देने के लिए रखा था, जिन इतमाम को करे सबकी दे खबर, तुझे इसलिए भाई तू सबकी देखभाल कर सके, दूर करो खिजमत से है नहीं कामिल। उन्होंने क्या आदेश दिया कि इस शेख सलेमान को अभी इसी समय मेरी सेवा से हटा दो, ये हमारी सेवा के योग्य नहीं है। दोष दे मनसो काड़ियो, इनमें नहीं अकल। उन्होंने खुद अपने आप को कहा कि ये इनके उनको भला बुरा कर करके उनको निकाल, बोले ये बुद्धिहीन है, यहाँ रहने के योग्य नहीं है। यह खिजमत इनसे तभी लय छुड़ाया, ये उनकी सेवा थी वो उनसे ले ली। बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का, शेख निजाम का जो बेटा अब्दुल्ला नाम का था, उनको कहा कि अब ये तुम्हारी सेवा है, तुम सबका ध्यान देना। अब क्या हुआ, अब उसको कह दिया, अब जो अब्दुल्ला जो नया सेवक बना उसको कहा तो ऐसा काम करो पूरे दरबार में मतलब पूरे दिल्ली में ढूंढरा पिटवाओ, क्योंकि एड्रेस लिखा हुआ था नहीं, तो ढिंडरा पिटाओ कह देना कि जिन लोगों ने रुका चिपकाया है वो औरंगजेब उनसे मिलना चाहता है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जब जामा मस्जिद जाएगा तब वहाँ इंतज़ार करेगा और वहाँ पर तुम खड़े रहना। ये औरंगजेब ने कहा अब्दुल्ला को। अब जब अब्दुल्ला जब जाने लगा होगा तब जो चार दरबारी और थे ना जिनको 5 नलवे दिए थे उन्हें पकड़ लिया होगा, उन्होंने कहा भाई रुक ऐसा करो, यदि उन्होंने सब डर था कि यदि औरंगजेब ने
इनकी बात मान ली, उनके पास चला गया, तो हमारी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, हमारा शरीयत का साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, और हम ऐसा चाहते नहीं हैं। तो बोले जो सुल्तान ने कहा वैसा तुम्हें नहीं कहना, वैसा ढिंडोरा नहीं पिटवाना है, वहाँ ऐसा जाहिर नहीं करना। क्या करना है कि जिनको भी कोई समस्या हो वो सब आ जाइयो, पूरे दिल्ली में जिनको भी कोई समस्या हो वो सब आ जाइयो। औरंगजेब ने कहा था कि वही आना जिसने ये कागज चिपकाया है। उन लोगों ने, पांचों ने मिलकर क्या किया, नहीं वो मत आना, सब आना जिसको कोई समस्या हो। तो अब जब देखा वहाँ औरंगजेब ने देखा, वो अपने घोड़े पे नमाज पढ़ के दूर खड़ा हो गया, उसको शेख अब्दुल्ला को कहा कि भाई तुम जाओ, और उस रुके वाले को लेकर किया वहाँ। देखो तो वो सैकड़ों लोगों की लाइन लगे, हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्या कागज़ में लिख करके लाए, हर व्यक्ति लेकर ले भाई हमें ये समस्या, हमें ये समस्या, ये समस्या करके जो सब लोग लाए। मैं जाऊँ जुम्मे नमाज को, आए हाजिर होवे सोए, जब निकला जुम्मे की जुम्मे नमाज को खड़ा, अब्दुल्ला आए रुके जो फरियाद के सब ले, सबके लेता जाए। जो जो व्यक्ति अपने पत्र समस्या दे रहे थे सबके ले रहा था, भाई लाओ तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो करके। आप खड़ा देखत भय फरियादु अनेक, वो तो आश्चर्य में पड़ गया, बोले कि इतने लोगों ने मिलकर रुका चिपकाया। बोले इमाम महंदी के इतने सारे लोग हैं, वो तो खुद आश्चर्य पड़ गया। तामे लाल निर्मल दास, और उसमें अपने रुके चिपकाने वाले कितने लोग थे, सिर्फ दो। कौन गए थे, लालदास जी गए थे और निर्मल दास जी गए थे, और वो अपने साथ जो पत्र वहाँ चिपकाया था वैसा ही पत्र अपने हाथ में लेकर के गए थे, ले गए अपना रुका, एक एक पत्र साथ में लेके गए। रुका लेते बखत अपना लिया इन, पढ़ रुका फाड़ डारिया एन सुनो कानन। जब लालदास जी निर्मल दास जी ने हाथ इसका कहा, भाई अब्दुल्ला जी जो वहाँ गुसल खाने में जामा मस्जिद के दरवाजे पे जो चिपकाया था वो हम ही थे, और जो चिपकाया था उसकी दूसरी एक प्रतिलिपि हमारे पास ये है। उन्होंने देखा खोल के, अच्छा ये वही है जो वहाँ लिखा हुआ और ये लिखा, दोनों एक है। फाड़ फूड़ के जेब में डाल दिया, और जेब में डाल कर बोले हम तुम्हारी बात नहीं सुनाएंगे। यह रुका फार के ले डार बीच जेब, यह तो बात मोमिन की करनी है मोहे गेब। मतलब गेब मतलब फाड़ के जेब में डाल दिया, फेंका भी नहीं ताकि कोई किसी और के हाथ में आ जाए। बोले इसको तो छिपाना है, ये तो मोमिनों की बात है, ये तो इमाम महंदी की बात है, तो बोले ये हम होने नहीं देंगे। मतलब ये एक दज्जाल का पहरा था जो अज्ञानता का, उन्होंने नहीं होने दिया और डाल दिया। और लालदास जी चिल्लाते रहे, है ना, बहुत पुकारे मोमिन कोई न सुने काना। उन्होंने सब चिल्ला चिल्ला कहा कि हम ही थे वहाँ चिपकाने वाले, हम ही लोगों ने लिखा है, और जो वो औरंगजेब बादशाह खड़ा है वो हमारे लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए खड़ा, इन सब के लिए नहीं है, और तुमको भेजा वो हमारे लिए भेजा है। वो कह रहे हैं रुका चोड़ने वाले हम हैं, ऊपर गुसल खाना वहाँ जो चिपकाने वाले हम ही लोग हैं। गुस्सा हम वास्ते किया, बोले शेख सलेमान को निकाल दिया अपने सेवा से, किस कारण, हमारे कारण, हम उनके घर कितनी बार भटकते फिर उसने हमारी बात नहीं सुनी, ये सब किया। क्यों तुम ऐसा करत हो, डरते नहीं खुदाए। अब लालदास जी उनको लास्ट में खुदा की परमात्मा की याद दिला रहे, क्या तुम्हें ऐसा करते हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम ऐसे पाप करते हो, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम उसमें जहन्नुम में जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, तुम उसमें दोजख की आग में जलोगे। उनको बहुत कुछ कहा, तो दिल मोहर आँख ऊपर, तब यहाँ लालदास जी कह रहे हैं क्या करें, उनके दिल पर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था, शरीयत का अंधकार छाया हुआ था। क्यों अकल आवेताएँ, उनको क्यों बुद्धि आती, क्यों दया आती कि चलो हम कम से कम ना पहचाने, कोई और तो पहचान ले, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। एक दो तीर लगे चले घोड़े पीछे घसेट, जब बहुत देर हो गई तो कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, अर्थात आना तो हर कोई चाहता है बादशाह के पास, लेकिन शेख अब्दुल्ला जाने नहीं दे पा रहा है। तो अब कह रहे उन्होंने देखा बादशाह ने कि चलो भाई बहुत देर हो गई, 9-10 बज गए, महल जाना है, जो भी करना है, तो बहुत देर तक इंतज़ार करता नहीं, तो अपने घोड़े को लेकर के दौड़ता हुआ निकल गया। और लालदास सोच रहे कि चलो ये नहीं सुन रहा, मैं दौड़ करके उनको सुना दूँ,
लेकिन क्या करें, ये पैदल दौड़ते, वो घोड़े के ऊपर दौड़ते, तो इसलिए वो निकल गए। तब विचार किया मोमिनो ये बात ना सुने नेठ, बोले अब इसमें इन दरबारियों में कोई भी बात सुनने और सुनाने योग्य नहीं है, अर्थात औरंगजेब चाहता है कि मैं किसी तरह से मिल लूँ, इसलिए उसने रुका मंगवाया। अब चाहता है कि वो चिपकाने वालों से मिल लूँ, इसलिए वो जुम्मे की वहाँ बाहर खड़ा रहा। लेकिन इनके जो पहरेदार थे, जो उनके साथी थे, जो दरबारी थे, जिनको सेवा दी थी, वो कोई नहीं चाहते हैं। यह खबर सिराज को लिख के भेजी उतर, क्योंकि श्री जी को अलग रखा था, इस पूरे प्लान से अलग दूसरी जगह रखा था, लिख करके भेजा कि धामधनी इस पूरी घटना ऐसे ऐसी घटी हुई है और हमने सब बहुत प्रयास किया, हम पैगाम पहुँचाने कमी ना करती तक, मतलब जी जान लगा करके हमने मेहनत की है, लेकिन इन लोगों पर हम इत क्या करें, पोहरा बड़ा दज्जाल, क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ तो चारों तरफ अज्ञानता का, इनके रोम रोम में अज्ञानता भरी हुई है, पाप भरा हुआ, शरीयत भरी हुई है, बोलिए मानने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है, बात हमारे ना सुने सब परे बस दज्जाल के हाल, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, मैं कुरान की भी बात सुनने को नहीं, उनको मतलब खुदा से भी डर नहीं है, किसी से कोई डर है ही नहीं। जिन भांत हम गए सब लिख भेजे बीतक, जिस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने लिख दिया, अब क्या लिख रहे, और पर हम इनको ना छोड़ें, तुम सिर पर खड़े हो हक, फिर और कह रहे हैं ये प्रयास फेल हो गया तो क्या हुआ, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे, तुम सिर पर खड़े हो हक, साक्षात राज्य आप हमारे सिर पर, आपकी मेहर हमारे ऊपर है, तो हम डरने वाले नहीं हैं, एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज, अब देखिए अब दूसरी बार कह रहे हैं, अब हम और ज़ोर ज़ोर से लड़ेंगे, ठीक है, अब उसमें कैसे लड़ेंगे, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम काज, अब बोले हम आपके हुक्म से औरंगजेब को तो पैगाम दे करके ही रहेंगे, मतलब अब दूसरी बार यहाँ फेल हुए हैं, पहले तो वो चार दरबारियों को दिया नहीं लिया, चिपका दिया वहाँ भी नहीं लिया, अब तीसरी बार कह रहे हैं हम तीसरी बार अब फिर से लड़ेंगे, अर्थात हमें ये हम वो चलो उन्होंने किया, उन्होंने कुर्बानी दी है, हमारे लिए क्या है कि क्या हम कभी अपने घर से, चलो हमने घर परिवार नहीं छोड़ा कोई बात नहीं, क्या कभी एक घंटा दो घंटा एक दो दिन चार दिन भी निकाल करके कभी हम कोई जागनी करने के लिए गए हों, चलो हम तो किसी दुश्मनों के घेरे में भी नहीं, हम अपने सगे संबंधियों के वहाँ भी नहीं गए हैं, अपने किसी सगे संबंधियों भी नहीं कहा कि भाई तू इसको पढ़, तू चल आजा, हम तेरे को आने जाने के किराए भी दे देंगे, हमने किसी कुछ कहा ही नहीं है, तो हम देखें अपने आप को और उनको देखें, अर्थात वहाँ तो जो भी दरबारी था एकदम कमर में तलवार लेके और उसको हाथ भी तलवार के ऊपर ऐसे लेके घूमता रहता था, ताकि कोई और ऊपर से दुश्मनी, बिना दुश्मनी के हिंदू दुश्मन है उनके, ठीक है, तो ऐसे में करें हुक्म तुम्हारे से करें, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, पैगाम का हम काज, औरंगजेब को तो हम क्या करेंगे पैगाम दे के ही रहेंगे, अब हम लड़ने जाते हैं तुम रहियो होशियार, अब धाम धनी को कहा कि अब हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जैसे कभी आपने महाराणा प्रताप सीरियल देखी होगी, तो उसमें जब अंतिम लड़ाई जो अकबर ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो एक होता है साका करना, मतलब कि केसरिया जो पाग जो बांध करके और सब जितनी महिलाएं थी उन्होंने वो जो जल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, सब जलती अग्नि में कूद जाते हैं, जौहर करना, जौहर करना, और बोले कि सब पता है कि देखो उनको ये था यदि हम युद्ध में मारे गए और महिलाएं रहेंगी और ये है सब राक्षस, ठीक है, इसीलिए, और आप जब कभी सीरियल देखेंगे उसमें चलो वो घटना कैसी घटी साक्षात हम 100% सीरियल में नहीं दिखा सकते हैं और वो भाव आता भी नहीं है, केवल उसका 5-10% होता है केवल, क्योंकि वहाँ एक्टिंग करनी होती है, इसलिए तो वो कैसा रहा होगा कि जितनी महिलाएं थी सब ने जौहर कर लिया, वो बाहर केसरिया पाग बांध के खड़े हैं तलवार लेकर के तीर भाला, बोले कि वापस नहीं लौटना है,
इतना था, वो सब ने आरती उतारी, उनके यदि हम जीवित लौट गए, जीत गए, जीवित लौटे, बोले यहाँ सुख भोगेंगे, नहीं तो हम स्वर्ग में मिलेंगे, वीरगति को प्राप्त होएंगे। ठीक है, तब वो उसको बोलते साका करना, उस समय मतलब चले जाना, पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखना, चाहे वो हज़ार दुश्मन हो, चाहे लाख दुश्मन हो, हम अकेले क्यों ना हो, लेकिन लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि के लिए मर जाएंगे। जब उनकी ये धारणा थी, एक सामान्य व्यक्ति जिसको हम जीव सृष्टि कहते हैं, वो भी मातृभूमि के इतना कुछ लड़ करके चले गए, और हम सुंदर सात अपने आप को कहलाते हैं, और हम परमधाम का ज्ञान लेकर के, और जबकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेकर के हम हैं, तो हमारे लिए ये सिखापन क्या? हमने कभी मन में सोचा है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? वो तो सोच करके करने को तैयार हैं। अब कह रहे ना, अब हम लड़ने जाते, तुम रहियो होशियार धामधनी, आप थोड़े सावधान रहना इन लोगों से, इन लोगों की पहुंच से दूर रहना, हम तो ये करके रहेंगे। ये सब सुंदर साथ मिल करके लिख करके दे रहे हैं, तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ पर्वत, आप सर्वशक्तिमान परवरदिगार, हमारे सिर पर आपका आशीर्वाद महर है, इसलिए हमें किसी का कोई डर नहीं है। ये क्या करें हमको, हम ग्रहें तुम्हारे कदम, ये कर क्या लेंगे, ये शरीयत के मुसलमान हमारा बिगाड़ क्या लेंगे, क्यों हमने आपके चरण कमल को पकड़ रखा है, हमने इस दुनिया को, किसी को, कोई दुनिया की वस्तु को नहीं पकड़ रखी है, तो इनको हम मारत हैं, कोई हटे नहीं पीछे दम, अर्थात ज्ञान रूपी तलवार से हम इनको झुका देंगे, लेकिन हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो जीवित रहेगा वो देखेगा, जो जीवित नहीं रहेगा वो परमधाम के में जाके, मूल मिलाव में जाके देखेगा, लेकिन हम पीछे तो नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, ओके, सखत बखत ऐसा हुआ सबन छोड़िया ईमान, अरवाह करे कुर्बानियाँ मुँह होवे मोमिन। जब ऐसा समय आता है तो क्या करें, हर कोई साथ छोड़ चला जाता है, लेकिन जब कुर्बानी कौन करता है, जो सच्चे मोमिन, जो सच्चे सुंदर साथ होते हैं, वही वो कुर्बानी करते हैं, कहते हैं ना कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उसलत अंग, उनके अंग अंग में इतना प्रसन्नता होती है, तो वो सब बात हमें यहाँ साक्षात दिखाई दे रहे हैं। हम सोचो कि हमें पढ़ करके क्या भाव आ रहा है, यदि साक्षात उन जमात में हम होते और उनके चेहरे पे वो नूर, उस प्रकाश को देखते, उस कहते हुए उनकी आँखों में वो देख पाते, तो शायद हम भी कुछ सीख पाते, अथवा और हम अपने आप को देखें, यदि जहाँ जहाँ उनके चरण कमल भी पड़े हों, और हम अपने आप को देखें कितनी सुख सुविधा में सब कुछ ले करके, मतलब उनसे हजार लाख गुना सुविधा ले करके भी हम एक व्यक्ति को भी नहीं सुना पा रहे हैं, तो और उन्होंने सबको चुनौती दी उस में, उस समय पूरी दुनिया में शायद उससे क्रूर कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा, लेकिन उनको चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर वो, तो ये हमारे लिए सिखापन की बात है। ये पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी भाई को कहा कि आप ये सब लिख करके श्री जी के पास जाइए। कांजी भाई जाके पहुँचे, दई पाती हाथ धामधनी के हाथ में दी, ये जो सब सुंदर साथ ने लिख के दिया था। अब श्री राज पाती लेके भेजा तुरंत, राज जी ने, श्री जी ने तुरंत पाती लिखी। देखिए भाई, ये जोश में है, अब जब जोश है व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो उन्हें तुरंत कहा भाई तुम बिना विश्राम किए मेरी पिए पत्र लेकर के जाओ। तुम आकले ना होइयो, मैं आवत हूँ चिताबा। तुम जल्दीबाजी मत करना, शीघ्रता मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। बोले इसी काम को लेकर के पूरे शास्त्रों की भविष्यवाणी सिद्ध करनी है, इसलिए तुम जल्दीबाजी मत करना, मैं खुद अब वहाँ आ रहा हूँ। मोसो मिलाप करके तुम की जो ये काम, एक बार मुझसे मिल लो, मैं भी आपसे बात कर लूँ, और फिर आप ये काम करना। फिर बैठ के मसलत करें एक जागा इन ठाम, जब श्री जी भी गए, वो लोग भी मिले, फिर पुनः कोई जगह ढूंढ के फिर बातें करने लगे। पाती पहुंची आए के मिल बाँची सब साथ, राह देखे श्री राज की यहाँ लेने दज्जाल सो बात। अब वो राज जी का इंतजार कर रहे थे। यूँ करते दूसरे दिन आए पहुँचे श्री राज, हो सकता है कि थोड़े दूर पे कहीं 500 किलोमीटर दूर रहे होंगे, तो दूसरे दिन कांजी भाई को तो तुरंत लिख के दे दिया, लेकिन श्री जी दूसरे दिन पहुँचे वहाँ पर।
चांदनी चौक की हवेली छतरी के घर इनका, चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली, वहाँ पर किसी क्षत्रिय की हवेली में घर पे उन्होंने किराए पे ले करके इन इस काम को मूर्त रूप देने के लिए, रहत लाल बाई इनमें तहाँ आय कियो। लाल बाई, लाल दास की पत्नी, वो भी इन सब सुंदर साथ की सेवा में लगे, मतलब उनका खाना पीना सब कुछ करने के लिए वो थी वहाँ पर। अर्थात जब तक ये सृष्टि यहाँ है तब तक और परमधाम में अनंत काल तक इनकी सेवा हमेशा अखंड है। हमने जैसे जो सीरियल हमें केवल एक अभिनय के रूप में देखी है, हमें साक्षात वो वही मूल मिला में वही दिखाई दी जाएगी कि इन मोमिनों ने कितनी बड़ी कुर्बानी की है। अब तुम्हें क्या करना पहुंचाने पहगाम, साथियों जवाब दिया जोश में, हम टुक टुक होवे इन काम। श्री जी ने क्या पूछा कि अब बताओ आप कि आप पैगाम पहुंचाने के लिए अब क्या करने वाले, ऐसी क्या योजना बनाई है आपने और किस प्रकार बनाई है हमें बताइए। उन्होंने दिया, सब ने जवाब दिया कि हम टुक टुक होवे इन काम, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हमारे तिल तिल कट जाएं, लेकिन हम तो ये काम करेंगे ही। ये जोश अंदर राज्य के मूल स्वरूप से वो प्रेरणा आ रही है, क्यों? ये बात कुरान में पहले से लिखी जा चुकी संकेतों में कि मोमिन ऐसी कुर्बानी करेंगे और ऐसी कुर्बानी करेंगे कि वो करनी ही पड़ेगी उनको। क्योंकि अभी मैंने कल परसों खिलवत की बात कही थी कि हे धामदनी, यदि मेरे अंदर आपके प्रति ईमान कुट कुट के भरा हुआ है तो बोले आपकी कृपा है, और मेरे अंदर माया कुट कुट के भरी है इसमें भी आपकी ही कृपा है। तो यदि उनके अंदर इतना ईमान था तो भी वो राज्य की कृपा से सब कुछ था। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, एक दिल के किसी कोने में भी क्या होगा, क्या परिणाम होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कोई फिक्र किसी बात की फिक्र नहीं है। जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाइयो। अब आपस में भी जो थे उनको कहा कि भाई देखो, हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन हम में से कोई जिसको थोड़ा कच्चा ईमान है राज्य के प्रति, कोई डर लग रहा है कि औरंगजेब ऐसा वैसा कुछ कर देगा, तो आप थोड़ा सा एक तरफ हो जाइए। क्योंकि पूरी चेन में यदि एक कड़ी कमज़ोर है तो वो सबको डुबा सकती है, इसलिए कि ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए भी नहीं। और ऐसा अपने आप दूर, हमें नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, आप खुद अपने आप को देखो कि मेरे अंदर इतना ईमान है कि नहीं है, नहीं है तो आप हाथ मत उठाओ, आप मत आओ आगे, वो शुरू से ही कर दे। क्योंकि आप राजनीति में भी देखते हैं, हर जगह भी देखते हैं, कहीं कोई युद्ध करने जाता, वर्तमान में मान लो कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए इतने सारे सैनिक भेजे भारत की आर्मी ने, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं भेजा होगा जो दोनों हाथों से तलवार चला लें या बंदूक चला लें, हाथ पैर दोनों चला लें, उन्हें हर परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है लेकिन एक शब्द भी अपनी जबान से नहीं निकाले, मर जाएगा लेकिन कुछ अनहोनी नहीं होने दे उसको भेजते से बड़े मिशन पर। तो इसलिए यहाँ भी कह रहे हैं कि जिसको किसी को डर हो तो कृपया करके आप एक तरफ हो जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार है बस। अब राजू कह रहे हैं बस आप सिर्फ हाँ इतना कह दीजिए, बाकी हम सब कर लेंगे, क्या करना है किसे करना है सब कर, आप सिर्फ हाँ जाइए इतना कह दीजिए। और बात ना जाने बिना तुम परवरदिगार रहे धामधनी, हम कुछ अभी कुछ सूझ भी नहीं रहा, हमारे दिमाग में आ भी नहीं रहा, और राजीव को लाना भी नहीं चाहते कि इनके दिल में कुछ और आए, बस यही एक कुर्बानी की ही बात आए। हम तो अपने वजूद को करे कुर्बान ऊपर इस्लाम, हम तो अपने शरीर को कुर्बान कर दिया है निजानंद संप्रदाय के इस वैश्विक धर्म के ऊपर, हमने इस शांति के मार्ग में अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं, अब तो पीछे हटने का कोई नाम है ही नहीं, अतः हम इसमें पीठ नहीं दिखा सकते। कह रहे हैं हमको और न सूझी बिना करे ये काम, और क्या करें हमको और न सूझी बिना करे ये काम, ये काम किए बिना हम इस जागने के दौर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे वो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा भाई तुझे पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, कोई डाली पत्ते फूल फल क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कोई पक्षी? बोले नहीं, मैं सिर्फ पक्षी की आँख दिखाई दे रही है।
बोले वही लक्ष्य है। तो ये कह रहे हैं हमें भी अब इसमें कुछ भी नहीं दिखा, ना औरंगजेब का डर दिखाई दे रहा है, ना वो अत्याचारी वो दिखाई दे, वो क्रूर है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, वो फांसी के फंदे चढ़ा देगा कुछ नहीं दिखाई, इतना दिखाई दे रहा है बस ये पैगाम उस तक पहुंचा दें, वो माने या ना माने वो हमारे जिम्मेदार लें, हम एक ही दिखाई दे रहा है। जोश इनों का देख के श्री राज भय खुशाल, इन सब सुंदर साज के जो चेहरे पे जोश देखा, सुना है ना हावी जोश वाला कितना चेहरे पे नूर होता है, तो बोले कि श्री जी आप खुद देखे कि राजजी वहाँ श्री जी खुद इतने खुश हो गए कि वाह मेरे मोमिन शाबाश, वो कहने दिल वो खुद खुश हो गए, सोचो कि सुंदर साथ कितने खुश होंगे वहाँ पर। तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल, अब क्यों गोवर्धन भाई और लालदास जी जब दोनों को जब वहाँ मस्जिद भेजा तो दोनों को अंदर इस बात को ले खटपट हुई थी, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अनुपसर चले गए क्यों ईमान की कमी थी। अब दोबारा उनको ऐसा दृढ़ पक्का ईमान देख करके राज जी इतने खुश हो गए कि उनके हाल को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। इनों को देख आशिक ऊपर दिन इस्लाम, मतलब ये सच्चे राज्य से प्रेम करने वाले उनके प्रेमी उनके आशिक हैं, यह बख्शिश हक की नहीं और का काम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उनके अंदर इतना जोश है सुंदर साथ के अंदर, तो ये किनके किनकी मेहर से हैं, यह बख्शिश हक की ये राज्य के मूल स्वरूप की इच्छा है कि वो ऐसा करें, नहीं और का काम, ये दूसरे किसी का काम ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, डरते थे, काम उनके नाम मात्र से कांपते थे, उनके पास जाना है, उनसे बात करनी, उनसे आंखों में आंखें मिलाना है, वो तो छोड़ ही दो, सपने में किसी को याद ही नहीं आता है, लोग वैसे भी डरते थे, लेकिन वो करें हमें किसी का डर नहीं है, तो राज्य की मेहर से ऐसा होता है। बातें करें जोश में एक पे एक सरस, ऐसा नहीं कि जितनी पूरा ग्रुप था कुर्बानी वाला कि वो एक ही व्यक्ति जोश में बात कर रहा था, एक से बढ़कर एक, अरे नहले पे दहला की वासे, मतलब एक को आया उससे बढ़कर के दूसरा, मैंने अभी एक दिन पहले कहा था ना पूर्वाभिभाषी स्यात, पर पानी में कूदो पहले कौन कूदे, सोचे कि मैं कूद तो जाऊँ क्या पता कितना गहरा है मेरे हाथ पे टूट जाए, बस कोई एक कूद जाए फिर तो मैं तुरंत कूद जाऊंगा, इनमें ऐसा नहीं है, इनमें ऐसा है ये कूदे उससे पहले मैं कूद जाऊं, इस ये करे उससे पहले मैं कूद जाऊं, मतलब ये कुर्बानी दे उससे पहले मैं कुर्बानी दे दूं, ये मोमिनों का अपने सुंदर साथ का ये हाल है। हुए मगन दिन में करते हैं हंस हंस, रो धो करके नहीं कर रहे हैं, इतने मगन हो गए धाम धनी के प्रेम में और हंस हंस के कि देखो ये कुर्बानी का अवसर मिला है, अब दोबारा शायद इस ब्रह्मांड पता नहीं लगता नहीं कि दोबारा कभी ऐसा अवसर किसी और को मिलेगा, उनको मिला है तो ये बड़े प्यार से हंस हंस करके एक से बढ़ चढ़ करके बातें करने लगे और श्री जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए क्योंकि धनी को दुख कब होता है, हम किसी दूसरे सुंदर साथ को दुख देते हैं तब दुखी होते हैं, मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहे सन्मुख मोहे तब कसाला होते जब देत कोई साथ को दुखा, मेरे सुंदर साथ को कोई सुंदर साथ या कोई दूसरा व्यक्ति दुखी करता है तो मुझे दुखी होता है, मैं मुझे कोई दुख इस संसार का सुख दुख मुझे कोई मायने नहीं रखता है, तब ये यहाँ तो उनकी खुशी को देखे धाम धनी साक्षात खुद, वो धाम धनी यहाँ मुस्करा रहे हैं लेकिन यहाँ से वो वहाँ परम धाम में मूल मिलावा में भी वहाँ मुस्करा रहे हैं, अब जब हम जाएंगे जब उनकी कुर्बानी की बात आएंगी वो मुस्कुराएंगे और जब हमारी कुर्बानी की बात आएंगी तो वो मुस्कुराएंगे या पर्दा कर लेंगे पता नहीं क्या कर लेंगे, क्योंकि ये बितक है वो चले गए हमारे, लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये हमारे ऊपर छोड़ गए और हमें तो बहुत प्यारा बहुत इतना प्यारा, आप देखिए कितना है स्वामी जी बैठे हैं टाइम पे खाना मिल रहा है, एक बार नहीं 10 बार आके पूछ रहे खाओगे ये लोगे दाल खाओगे रोटी खाओगे रसगुल्ला खाओगे, उनको किसने दिया होगा, कौन वहाँ उनको लेने गया होगा कि भले तुम खा लो, अब वहाँ जाएंगे तो कौन बताएगा भाई तुम खा लो तुम ये पहन लो यहाँ छाए में रह लो यहाँ तो लाइट नहीं है तो मच्छर काट ले लो, मैं तो
पंखा कर दें, इन्वर्टर लगा दें, कौन होगा वहाँ पर? कोई नहीं, बिल्कुल अकेले हैं। पीछे मुड़ के देखे दूर दूर तक कोई दिखने वाला नहीं, आगे भी देखे तो दूर दूर आगे तक भी नहीं दिखता सहायता करने वाला। अपने आप पे ये कुर्बानी लेकर के वो चल रहे हैं। अब क्या करें, सब सुंदर सा देखो अब कैसे रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत। अब क्या कर रहे हैं, ये मन में क्या लिया हुआ है, शायद हम लौट करके ना आ पाए, शायद हम लौट करके ना आ पाए, क्योंकि हम जिनके हाथ में जा रहे हैं उनके हाथ में कोई व्यक्ति गया है, जिंदा लौट के नहीं आया है, इसलिए कुछ शायद हो सकता है ये हमारा अंतिम प्रणाम हो, ये अंतिम दर्शन हम धाम देने के कर रहे हों। अरुगया इत, अपने हाथों से खाना बनाए, अपने हाथों से धामधनी को उन्होंने खाना खिलाया। श्याम बाई राम राय, श्याम बाई कौन है, लालदास जी की बेटी, राम राय कौन है, उनके दामाद। तो ये चार, लालदास जी, लालबाई और श्यामबाई और राम राय, ये चारों लोग अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ सेवा में लगे हैं। हम अपने परिवार में से एक भी नहीं है और यहाँ कोई पूरा का पूरा परिवार है सब कुछ करने के लिए। कोई लियावत मिठाई को, कोई और ओ साज, कोई मिठाई ला रहा है, कोई कोई सब्जी बना के ला रहा है, कोई रोटी दाल चावल सब्जी, सब खुशहाल हो कि अरुगावत है श्री राज, खुशी हो करके दिल से वो धाम धनी भी उनकी आंखों में देख कितनी खुशी है, वो उनसे प्यार से खा रहे हैं। इत खुशहाल हो के रजा दई श्री राज, और राज्य ने भी खुश हो करके रजा दई, क्यों नहीं देते, लिखवाने वाले भी वही है कि इनके माध्यम से कुर्बानी लेनी है, तो इसलिए वो उपजा भी वही रहे, अंदर से उत्साह भी वही दे रहे हैं। जाएं पधारो एकांत, अब देखो हमारा काज। अब क्या कहें, उन्होंने प्रार्थना की, खिलाए पिलाए, वो कहा कि अब आप एकांत में जा कर के बैठ जाइए, किसी को कुछ भी पता ना लगे, और अब दूर से आप बस हमारा इस कुर्बानी को आप देखिए, अर्थात हम कैसे इस दज्जाल से, इन शरीयत वालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखिए हम कुर्बानी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि महम्मद कहे मोमिनो सुनियो ये भी तक, अब आप सब सुंदर साथ जो रह गए हैं, उस ज़माने में नहीं थे और हमारे लिए लिखवाया, तुम सुनो, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म है। अब कहते हैं कि इन सुंदर साथ के ऊपर राज्य का क्या हुक्म हुआ है, वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनियो। साथ सब मिल बैठ के लगे करने परियाना, अब वो तैयार हो गए हैं, युद्ध की तैयारी करने लगे उनसे लड़ने की, अब हमको क्या करना, ये क्यों लगा लियावे ईमान, क्योंकि पता है कि ईमान तो लाएंगे नहीं, शरीयत वाले हैं जो उनके दरबारी हैं, तो हमें क्या करना, हमें अच्छी तरह से पता लग गया। बिना आपा दिए और न लिया जाए, क्या बोला, अपने आप को उस मौत के मुंह में डाले बिना, कुर्बान किए बिना, ये पैगाम उनको ये आभास हो गया, इतने महीने घूमते हो गया और ये हो गया कि जब तक हम अपने आप को इस राह पे कुर्बान नहीं कर देंगे तब तक ये हमारा पैगाम वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं यही दिल में विचार या और न नहीं उपाय, और अब कोई उपाय हमारा, हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा, हमें दिख भी नहीं रहा और लग भी नहीं रहा, और ऐसा तो यही एक उपाय है। अब थोड़ा सा कह रहे हैं कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, उसमें से कुछ सुंदर साथ हैं अधपक्के ईमान वाले, कच्चे ईमान वाले, उनको थोड़ा डर लग गया, पता नहीं क्या होगा, ये चले जाएंगे, ये तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, इसके साथ जो संपर्क सूत्र हमारा है, हम यहाँ रुके हुए हैं, हम पकड़े जाएंगे, हमारा क्या होगा, वो तो ऐसा होगा ऐसा होगा, क्योंकि सबको पता है हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे को औरंगजेब की छवि, उनका जो चित्र था वो सबको पता, कितना क्रूर है वो, सब पता था, वो सबको पता था वहाँ पर। तो अब डर, दिल में मुनाफकी थी बनाए बातें करे ऊपर, कुछ तो ऐसे थे कि दिल में तो बोले डर लग रहा था लेकिन दिखावे के लिए भी वो करते, हाँ हम भी कुर्बानी दे सकते हैं, हम भी कुर्बान करेंगे, ऐसा कर रहे थे। ये आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। उन जो जिनके दिल में डर था उनके लिए सिर्फ एक ही चौपाई में कह दिया कि वो ऊपर से दिखावा करते थे और भीतर से वो डर रहे थे कि हम ना जाएं। अच्छा हो कि राज्य मना कर दे, श्री जी मना कर दे, भाई ये वाला हमें प्लान
कैंसिल रखना है ऐसा। लेकिन एक बोले हम नहीं, एक आशिक इन भान के तन मन दिया वारा, जो एक आशिक जो राज्य के जो आशिक हैं इस राह पे चलने वाले जो मोमिन सुंदर साथ हैं, उन्होंने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया, समर्पित कर समर्पण कर दिया है। कुर्बानी यह सुनते ऊपर परवरदिगार, बस केवल राज्य का नाम लिया। जो असल जो आशिक होते हैं वो राज्य का नाम सुन करके पीछे पैर नहीं हटाते हैं। ये लखमन, अब इसमें नाम किन किन का, कितने सैकड़ों सुंदर साथ से उसमें कितने सुंदर साथ इसमें हैं। एक लखमन इनमें और शेख बदल, हमें इन अपने पूर्वज एक तरह से माना जाता है, हमारे संप्रदाय के सबसे पहली कुर्बानी करने वाले ये हमारे पूर्वज हैं और हमको इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके कुर्बानी करनी है। तो हमें इनका नाम तो हमेशा कम से कम याद होना चाहिए, इनकी जीवनी याद होनी चाहिए कि एक लक्ष्मण, कौन लक्ष्मण है, लालदास जी। लालदास जी कौन है, ठटा नगर के वो अरबपति हैं, आप सब जानते हैं उनकी वित्तक को। और शेख बदल, शेख बदल जो जो थे वो दिल्ली के रहने वाले, ये खुद स्वयं मुसलमान हैं। सिताब करे पहुँचावन इनको न परे कल, ये दोनों इतने उतावले, बोले अभी तुरंत चलो, बोले देर करो ही मत, क्या पता किसके मन में डर आ जाए, कुछ हो जाए, फिर पीछे हट जाए। बोले तो बोले कुछ नहीं, नहीं देखना, अब तो जो होगा देखा जाएगा करके। और मुल्ला कायम, कायम मुल्ला भी दिल्ली का मुसलमान है, चाकर पैसों का इनो उपली पहचान। देखिए इनको शुरू में क्यों बुलाया था, आप तफसीर हुसैनी का फारसी में से हिंदी अनुवाद सुनाओ और लिखो, आपको हम महीने भर में जो तनख्वाह होगी दे देंगे, उसको भी जितनी भी थोड़ी पहचान हुई है ना, इनको उपली पहचान कह रहे कि इनको उपली पहचान हुई है, फिर भी अपने आप को कुर्बान कर रहा है। यदि हम में से हम आप हैं या और जो लोग हैं सुंदर साथ हैं, उनको पूछें क्या राज्य को आपको केवल ऊपर की पहचान है या आपको पूर्ण पहचान है। यदि उपली पहचान वाला सुंदर साथ ये जो कायमुल्ला जी हैं वो इतनी कुर्बानी कर सकता है जिनको पूर्ण पहचान नहीं है, और हम पूर्ण पहचान ले करके यदि कुछ भी कुर्बानी नहीं कर सकते तो हम में और उनमें कितना अंतर है, मतलब आसमान जिम्मी में अंतर, उससे भी करोड़ों गुना अंतर और हो जाएगा हम में और उनमें हो जाएगा। ये था नाजिया फिरका, एक सूफी मत के संबंध रखने वाले थे। और भीम भाई रहे, भीम भाई कौन, जो सूरत के वेदांत के आचार्य थे, वो भी अपना पूरा परिवार सूरत के महाजरे सूरत से आए थे। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर, अपने परिवार घर परिवार गादीपति सब कुछ छोड़ करके राज्य की राह पर ये कुर्बान थे। भाई सोम जी खम्बात, एक सोम भाई खम्बात ये भी गुजरात में ही पड़ता है, आए मिले थे इत, वो भी श्री जी के आने के बाद वो अकेले ही खम्बात से दिल्ली आए थे, वो भी थे। घर इनके खम्बात में है कुर्बान ऊपर बखत, इनका घर परिवार कहाँ है, खम्बात में गुजरात में है, ये कुर्बान ऊपर बखत, ये भी राज्य के ऊपर कुर्बान है। नागजी सूरत से, सूरत से नागजी भाई सुंदर साथ हैं, चले छोड़ कबीला खास, ये भी अपने परिवार को छोड़ करके सब आए हैं। इनको धाम धनी बिना और न थी दिल आस, इन सब सुंदर साथ को धाम धनी के अलावा कोई अपने परिवार कोई चिंता थी नहीं, उनको पता है कि ये जो परिवार है वो अनित्य है, मतलब कुछ वर्षों के बाद ये सब संबंध छूट जाने वाले हैं, क्योंकि ये संबंध हम कैसे अनित्य माने, हम ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई, ये मेरे पिता है, ये पति पत्नी बच्चे हैं, और ये हमारे उसके भाई के भाई, बहुत बड़ा एक जाल है, हम कैसे उसको अनित्य माने। तो उसको एक उदाहरण से समझते हैं हम, मतलब कितनी देर के लिए हमारा संबंध है। हम ये सोचे कि मानो कि यहाँ बहुत बारिश होती है और हमारा जो इलाका है एक पहाड़ी इलाका है, खूब बारिश होती है रात दिन, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, उखड़ के जाएंगे नदी में, वहाँ से टूटते फूटते जाएंगे समुद्र में जाएंगे सब, अब उसकी डाली अलग, टहनी अलग, जड़ अलग, और उसका जो तना है वो समुद्र में तैरता रहेगा, इधर तैर रहा उधर। सोचो कि कभी अमेरिका बारिश होती है वहाँ भी ये हाल है, वहाँ से पेड़ उखड़ते उखड़ते आते हैं,
एक पेड़ का तना यहाँ से जो गया था वो समुद्र में तैर रहा, लहरों में, मतलब बहुत सारे ऐसे वृक्ष तैर रहे हैं, एक दूसरे देश का तैर रहे हैं, किसी एक लहर के झोंके से दोनों मिल गए, 2 सेकंड के लिए वो दोनों मिल गए और दूसरी लहर आई तो दोनों को अलग कर दिया। अब एक तना समुद्र की दूसरे छोर पे चला गया और दूसरा दूसरे छोर पे चला गया, मतलब अब जीवन में कभी वापस मिल नहीं सकते ये। तो बोले ऐसे ही हमारे इस ब्रह्मांड का हाल है, हम हैं ठीक है, हम जब तक है तब तक हमें सत्य लगता है, मान के चलो हमारा अपना कोई व्यक्ति इस समय इस संसार को छोड़ के, हम छोड़ के चले जाएं या हमें कोई छोड़ के चला जाए, तो क्या वापस इस ब्रह्मांड इस भव सागर में कभी वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये तब तक के लिए है, लेकिन हमारा धाम धनी से जो रिश्ता है, संबंध है, वो शाश्वत है, नित्य है, क्योंकि अनादिकाल से वो हमारे आत्मा के प्रियतम थे, वर्तमान में भी है, और हम इस जागनी ब्रह्मांड से वहाँ परम धाम में जागृत होंगे तो अनंत काल तक भी वो हमारे आत्मा के प्रियतम रहेंगे। तो ये इसलिए ये सब इनको पूरी पहचान थी, अपने सब अपने अपना परिवार छोड़ के चले गए थे। अब हैं खिमाई बुदेलखंड से आया ले ईमान, जबकि देखा जाए तो अभी श्री जी बुदेलखंड की तरफ नहीं गए हैं, बुदेलखंड मतलब या जो अपना पन्ना जो वाला जो इलाका है उस तरफ गए ही नहीं है, लेकिन किसी तरह इनको पता लगा तो ये वहाँ से भी आए हैं। लाया ईमान खिजमत करी तन धन सो पूरी भय पहचान, तन मन धन से इन्होंने करी, दयाराम दिल्ली में था ईमान लिए जोश, और एक दयाराम सुंदर साथ था, वह पता है ना आपको, अपने घर से मिठाई लेके आया करते थे इनकी मिठाई की दुकान, सेवा खिदमत में रहे कबू ना थी फरामोश। अब एक है चिंता मन ठठे मीने लाए थे ईमान, ठठा नगर का जो कबीरपंथी गादीपति महाराज चिंतामणि जी अपने 1,000 शिष्यों को बीच में वो ईमान लाए, अपने सब कुछ गादीपति को छोड़ करके, अपने अपमान अहंकार सब कुछ छोड़ करके, वो भी आज अपनी संपूर्ण कुर्बानी देने के लिए इस 12 मोमिनों के साथ में हैं। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिस्मत में होशियार, चंचल जाजी वो भी दिल्ली के सुंदर साथ हैं, वो राज्य की सेवा में रहते हैं, आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार, अपने परिवार सब जितने सुंदर साथ हैं सब कुछ मोह ममता सब कुछ छोड़ करके, केवल एक ही उनको लक्ष्य था कि ये राज्य की सेवा हमें करनी है, रहे दुकान अपनी एक जो गंगाराम, एक जो अब गंगाराम जी हैं, ईमान सुख खिजमत करे रहे सेवा में काम, गंगाराम जी अपने जो वो भी आते हैं, बनारसी उगाही करे ताजा लिया ईमान, एक बनारसी भाई हैं वो राज्य से क्या सेवा करते थे, सुंदर साथ से पैसे उगाही कर करके कि भाई तुम भी पैसे दो, तुम भी दान दो, तुम भी दान दो, जो आसपास के सुंदर साथ थे उन सब से पैसे ला ला करके उन सुंदर साथ की जमात में वह सेवा किया करते थे। आया ये खिजमत में कर धनी की पहचान, राज्य की पहचान करके वो यहाँ आया है, और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफा का, भले इस राह में बहुत सारे सुंदर साथ हैं, कोई ईमान कोई तो एकदम पक्का ईमान लेकर के जी जान हाजिर हथेली पे लेकर के हैं, कोई मुनाफक और कोई ये चाहते हैं कि कब पलब झपकाएं और कब हम पलब झपकते पीछे हट जाएं, नज़र ही ना आए, ऐसे भी हैं, बैठे ए परियान को पहुंचाने पैगाम, और जिनके दिल में प्रेम था वो परियान करने मतलब प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, आपस में मसलत करी जाए जमे जुमे महजद। अब देखिए अब तक घर में थे, इन 12 मोमिनों का नाम गिनाया, अब वहाँ पर वो तैयार हुए होंगे, सनंद की किताब हाथ में ली है, उन्होंने मुसलमान जो का जो फकीरी भेष था वो मंगवाया, अब केवल एक फकीरी भेष था, कितने ड्रेस बनवाए होंगे वो जाने, उस समय का था, लेकिन उन्होंने ये सब कार्य किया, कैसे जाना है, और फिर ये भी हुआ कि यदि हम औरंगजेब के वहाँ गए तो कौन क्या बोलेगा, यदि कोई हमें यातना मिली तो क्या कोई श्री जी के बारे में पूछा तो क्या कोई बता देगा उसका ठिकाना, तो ये सब कुछ सारी बातें हुई हैं, मतलब मर जाएंगे कुछ भी होगा लेकिन बता, ये पूरी बात होने के बाद कब गए वो, जाए जुम्मे में, जब वहाँ जुम्मे की नमाज जब शुक्रवार को होती है सुबह सुबह, ये अपने सब
किताबें लेकर के 12 मोमिन चल पड़े। तहाँ जाए सनंद पढ़िए सिफत जो महमद, वहाँ जा कर के सनंद ग्रंथ को खोल करके जो महमद की जो सिफत है, जो महमद साहिब की जो प्रशंसा की गई है, वो सब बोलने लगे। तब पुकार आपस में पड़े सुनेगा सुल्तान, इतनी जोर से जोश में जोर से, वो माइक तो था नहीं इसलिए 12 लोग मिल करके जोश में एक साथ मिल करके, हो सकता है कि पहले घर पर ही उन्होंने प्रैक्टिस की होगी कि इन चौपाइयों को हम कैसे पढ़ेंगे, वहाँ जाकर कीर्तन का गायन कैसे करेंगे, तो वो प्रैक्टिस करके अब जा करके वहाँ कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम जितने ज़ोर से चिल्लाए, उनको पता है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए सुल्तान आता है। अब वो किस दरवाजे से आता, जहाँ से भी आता उनको जहाँ पता होगा वो वहाँ सीढ़ियों में जाकर खड़े हो गए और ज़ोर से बोले कहीं यहीं से निकलेगा, यदि उसके कान में ये मोहम्मद साहिब की सिफत यदि कान में चली जाएगी तो वो रुक करके हमें बुला लेगा, ये उनका प्लान था। तो ये करें कि तब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे काना। अभी जो वहाँ प्रकरण पढ़ा जा रहा, क्यों औरंगजेब किसी तरह से सुन करके हमें अपने पास बुला ले, जब अपने पास बुलाएंगे तब हम उनको खास बात कहेंगे कि इमाम महदी इस यहाँ पर प्रकट हो चुके, ये सारी बातें हम प्रमाण सहित कहेंगे, ये उनका इनकी एक योजना थी। यह मसलत करके जाए खड़े महजत में गावत सनंद जोश में आशिक होने से, मतलब राज्य के आशिक राज्य के प्रेमी होने से इतने जोश में गाना गा रहे हैं, ये वाणी गा रहे हैं और इनको कोई चिंता नहीं है कौन मुसलमान आ रहा, कोई देख रहा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा, कोई किस भाव से देख रहा है, संसार की तरफ इनका मन था ही नहीं। इमाम जो महजद का तिनने सुनी पुकारा, जो वहाँ का इमाम था, इमाम वो होता है कि जो सबको नमाज पढ़वाएं, जैसे हमारे मंदिर में हम पुजारी रखते हैं इसलिए कि जिस भी सुंदर साथ को पूजा पाठ करनी हो तो उनको बुलाते कि पुजारी जी हम ये भोग लेकर के आए, हम फूल लेकर के बागा वस्त्र लेकर के अब राज्य को चढ़ा दीजिए, भोग लगवा दीजिए। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति वहाँ नमाज पढ़ने जाता है तो उनको इमाम सब कुछ निर्देश करता है, तो वो इमाम वहाँ था। तो तीनों सुनी पुकार, उस इमाम के कानों में ये बात गई। उतर आया ऊपर से सुने सिफत परवरदिगार, जब वो जहाँ अपने रूम में जहाँ भी होगा सुन करके आया और वो जो वो गा रहे थे मोहम्मद साहिब की सिफत वाला जो प्रकरण वो उन्होंने सुना। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल, बस इमाम का नाम सुना बड़ा खुश हो गया, बोले मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था ये तो मुझे सुनने को मिल गया। मोमिनो मुख देख के जोश भरे दिल हाल, अब ये कौन वर्णन कर रहा है, वहाँ का इमाम क्या दिल में सोच रहा है, वो लालदा जी लिख रहे हैं कि उस इमाम ने उन 12 मोमिनों के मुख के ऊपर देखा कितना जोश है इस राज्य के सेवा में, वो दिख रहे हैं। देखो तारा दिन के नज़र करी आसमाना, और उसने तारा मतलब उन 12 मोमिनों को कह रहे हैं कि ये दिन इस्लाम की ये इस निजानंद संप्रदाय के ये चमकते हुए तारे हैं ये 12 मोमिन, ऐसा करके के अपने सिर को आसमान की तरफ, क्योंकि जब भी कोई मुसलमान होता है तो ये अल्लाह या खुदा करके से हाथ करके ऊपर की तरफ देखते हैं और उनको मतलब उस परमात्मा को खुदा को उन्होंने धन्यवाद दिया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे मोहम्मद साहेब के राह पर चलने वाले ऐसे पक्के सुंदर साथ को हमें दर्शन करा दिए। ऐसा करके रहमत रहमत करके हुई हक सुभाना कि आप इन पर, मतलब वो इमाम खुदा से परमात्मा से कह रहा कि आप अपनी रहमत इन पे करना, इन पे अपनी कृपा दया करके रखना। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने हाथ, अब उसने क्या निर्णय लिया, अब मैं ये खुशखबरी किसको सुनाऊंगा, सुल्तान को, किसको सुनाऊंगा, मैं औरंगजेब को ये बात मैं सुनाऊंगा अपने साथ, क्योंकि सुंदर साथ चाह ही रहे थे हमें कोई ले करके जाए, और वो बात यहाँ हो गई। बात तुम्हारी मैं कहूँ ले चला पकड़ के हाथ, अब उन सुंदर साथ को कहा कि सुंदर साथ जी आप रुकिए, ये बात मैं सुल्तान से कहूँगा और मैं खुद वहाँ तुम्हें ले जाऊँगा, और साथ में पकड़ के ले भी गया। अंदर आए कि ये कहीं आया पैगाम इमाम, उनके दरबार में चला गया, दरबार में जो वहाँ अतिथि कक्ष होगा कोई सामान्य एक व्यवहार के लिए होता तो उनको आप यहाँ पर रुकिए और मैं अंदर जाता हूँ।
क्योंकि वहाँ नियम होता है कि जो धर्म गुरु होता है या कोई सन्यासी होता है उनको किसी द्वारपाल से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सीधा जा सकता है अंदर। तो वो गया और कहा कि हे बादशाह, आया पैगाम इमाम, बोले तुम्हारे लिए इमाम मोहम्मद मेहदी का पैगाम आया है। मैं लाया लोग तिनके, मैं उनके पैगाम सुनाने वाले मोमिनों को लेकर के आया हूँ, तुम आयो एक काम, तुम इस पैगाम को सुनने के लिए अपने महल से बाहर आओ। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। अब ये भी इंतजार में था, उनको पता था कि प्रकट हो गए हैं, प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कैसे, तो वो तुरंत सारा काम धाम छोड़ करके आया। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आशा सुने कान, हाथ में छड़ी लेकर के आया। हो सकता है उनकी उम्र होगी होगी या कोई उनका जो भी शौक रहा होगा वो छड़ी रखने का, तो वो लेकर के चबूतरे ऊपर, जैसे मान लो अपनी ये बालकनी और नीचे ऐसा, तो मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट। वो दूर थे तो मान लो ये चबूतरा ऊंचा है तो यहाँ वो औरंगजेब खड़ा हो गया और सब मोमिन सामने खड़े हो गए और जो इमाम था वो भी खड़े हो गए। जो लिखा लोमो फूज में और भई खटपटा। ये बात कहाँ, लोमोफुज रूप राज्य के मूल स्वरूप के दिल में लिखी थी कि ऐसा ऐसी घटनाक्रम होना है और भरी खटपट। खटपट क्या करने लगे, औरंगजेब के दरबार में वो पांच लोग भी तो हैं जिनके वो पांच नलवे पहले थे, उनको डर लग, अच्छा ये लोग आखिर पहुंच ही गए, जिनको हमने इतने महीने तक भटका के रखा कि किसी भी कीमत पर ये लोग औरंगजेब तक नहीं पहुंचने चाहिए, नहीं पहुंचने चाहिए, आखिर ये दूसरा रास्ता निकाल करके पहुंच गए और अब हमारा क्या होगा। यदि इन्होंने गलती से कह दिया कि हम यही लोग खड़े हैं जिनको हमने बहुत हमने परेशान किया है तो इनकी खैर नहीं, तो अब वो खटपट, अब बोले हम क्या षड्यंत्र करें, वो अपने दिमाग में षड्यंत्र वो करने लगे। तब पूछा सुल्तान इशारत सो आए, उन्होंने कुछ बोला नहीं औरंगजेब, इशारे मतलब क्यों आए हो भाई आप, क्या कुछ मतलब कि कोई आप राजा के पास आते कुछ मांगने के लिए आते हैं तो आप बताइए, अपने कुछ निवेदन कुछ प्रार्थना है बताइए, आप क्या करने के लिए आए हो। तब बोले इत मोमिन कसाला कलमा जुबान सुनाए, उन्हें कुछ नहीं कहा, हम ये चाहिए, उन्होंने कलमा सुनाया, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वाला, हद पार बेहद, बेहद पार अक्सर, अक्सर पार वतन वाला, जो वो ने पूरा कलमा सुना दिया उनको। फिर इशारत करे सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम, वो बोले ठीक है अच्छी बात है कि आप दीन इस्लाम के मुसलमान हैं, कलमा सुनाया, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मांगिए हमसे, आप एक सम्राट के पास एक राजा के पास आए, कुछ सांसारिक वस्तु मांगिए ऐसा करके। तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम तो इस निजानंद संप्रदाय के आशिक हैं, प्रेमी हैं, और हमें इस संसार की जड़ समाप्त होने वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए, कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। अब आखिर उन्होंने कह भी दिया, अब तक तो बात चली थी इशारे में, अब ये तो भी सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहना पड़ा भाई ऐसी बात नहीं है, कुछ मांग लो इस संसार का तो मांग लो मुझसे। कह एक बात हम मांगा तो रूबरू बातें करें, तब बोला कि जब आप इतना जोर लगा के कहीं ना कुछ मांग लो, तो बोले बस एक ही बात है, एक ही चीज़ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम और आप मिल करके आमने सामने बैठ करके साक्षात कुछ बातें कर लें। हमारी अब उन्होंने एक शर्त ली, अब तो कहा कि हम बात करना चाहते हैं, शर्त क्या है, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियाना, इसके बीच में मैं और हम 12 और आप अकेले 13, इनके बीच में कोई 14वां डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। पूछो सुनो तुम हमसे और ना सुनावे कान, तुम हमसे पूछो हम तुमसे पूछें, लेकिन 14वें के दिल में हम उनके कान में नहीं जाने देंगे, ये हमारा है, ये हमारी शर्त है ये। फिर मोमिनों से पूछिए कछु और कहो सब, फिर भी और कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बात करने वाली बात है वो तो देखी जाएगी, तुम और कुछ मांगना है मांग लीजिए, तुम्हें तो कहिया सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब। तुमने फिर उत्तर दिया कि
बादशाह जी, हमने अपने एक ही बार में हमने कह दिया हम इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया तीन बेर सुल्तान, जो वो छड़ी थी हाथ में लेकर चूम करके हाथ को चूमा या उसको छड़ी को चूमा या उसको तीन बार उसको किया, या हो सकता है कि वो जो छड़ी थी वो उनके किसी गुरु ने किसी रूप में कुछ दिया होगा आशीर्वाद के रूप में, जो उनको हमेशा साथ लेके रखते थे। जैसे मानो हमारे जब कभी हम कोई लोकेट या कोई तावीज पहनते राज्य का नाम का बड़े महाराज जी, तो हमें कोई तो हम भी उसको पकड़ के चूम लेते हैं करके, ठीक है। तो हो सकता है कि वो उनके लिए कोई एक उसमें आशीर्वाद के रूप में कुछ होगी, तो उन्होंने उसको धन्यवाद दिया परमात्मा का कि देखो आपकी कृपा से हमें ये इमाम मोहम्मद मेहदी के जो सच्चे यार है वो हमें मिले। तब मोमिन बोले जोश में हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। अब उन्होंने अब दूसरी बात छेड़ दी कि हे बादशाह जी, जो उधर गुसल खानों खाने में जो रुक्का चिपकाया था वो चिपकाने वाले हम ही हैं, क्यों हम किसी बहाने से आपसे मिलना चाहते थे। और अब कह रहे हैं पांच नलवे पांच पर भेजे हम खातर, एक काजी शेख निजाम पर और रिजवी खाना। आपके खातिर आपके पास भेजने के लिए पांच नलवे पांच पत्र भेजे, एक हमने शेख निजाम को दिया, एक रिजवी खान को दिया और एक सिद्दीक फौलाद को दिया और एक आकिल खान को दिया, और इसलिए दिया सो सब तुम्हारे वास्ते, उनको जगाने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए, सुनो तुम सुल्तान, उनको कहा कि तुम सुल्तान को सुना देना। इत खड़े शेख सलेमान कांपे, आगे खड़ा सुल्तान, शेख सलेमान वहीं पर था दरबारी वहीं पास में ही खड़े थे, सब डरने लगे। बोले जिस बात का डर था वही इन मोमिनों ने कह दिया कि हम इन लोगों इतना परेशान किया है इसलिए मजबूरी में ये भेष धारण करना पड़ा, मजबूरी में हमें वो चिपकाना पड़ा। यदि वो लोग मान गए होते, आपसे बात कर लिए होते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो ये अब वो कांपने लगा। बोले अब तो उसके मुँह से क्या शब्द निकले और कब किस गर्दन लटक जाए कोई भरोसा नहीं है। जिन्हें मेरी बात करो अब सुनावे कान। तब पूछा सुल्तान ने है तुम पे किताब, अब क्या किया कि भाई तुम्हारे पास कोई किताब है। तब इन यारों कहिया हम मंगावे किताब, क्योंकि ऐसी जो तफसीर हुसैनी थी या और कोई किताब थी या जो नलवा था वो लेके नहीं गए थे, वो क्या लेके गए थे, सनंद की वाणी लेके गए थे वहाँ जो, क्योंकि उनको पता है मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है ऐसे करके। तो अभी हमारे पास किताब है नहीं, पर हम यदि आप इंतज़ार करें तो हम अभी मंगवा के दे सकते हैं। तो यहाँ कहने का एक और है कि यदि हम इस प्रकार किसी अभियान पर जाते हैं तो कोई भी वस्तु छोड़ के ना जाए, यदि शायद उस समय सुंदर साथ लेके गए होते तो तुरंत जेब से निकाल के लो ये सब साक्षियों की, तो हाथों हाथ बात हो गई होती, ठीक है। अब पता नहीं वो बात फिर छूटते छूटते कब कोई जाएगा कब मंगवाएगा, उस समय की तरफ तो है ही नहीं भाई, फ़ोन किया भाई तू पीडीएफ भेज दे तक उसमें स्क्रीन पर दिखा दें, ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए कि अब हम मंगवा सकते हैं। फिर सुल्तान ने कहा कछु मांगत हो तुम, फिर भी वो कह रहे कि भाई मांग लो कुछ आपको चाहिए तो, कहिया मांगे दिन मोहम्मद और ना चाहे, बस केवल हमें राज्य के अला परमात्मा के अला कुछ नहीं चाहिए। मोमिन बोले अपने जोश में डर दिल भया सुल्ताना। देखो अब तक सुल्तान को देख के कौन डरता था, पूरा हिंदुस्तान, अब इनको देख के कौन डरता है, सुल्तान। ये जो जोश में बात कर रहे थे उनको औरंगजेब सोच रहा है मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता व्यक्ति, कोई व्यक्ति छोड़ो राजा महाराजा भी नहीं खड़े हो सकते हैं, और ये सामान्य व्यक्ति खड़े भी हैं जोश में मुझे धमका भी रहे हैं। भले किसी बड़े व्यक्ति जोश में बोलना मतलब उसको कुछ भी नहीं गिनना, भाई तू हमारे सामने कोई सम्राट है ही नहीं, तू राजा महाराजा कुछ है ही नहीं, तो जोश में अब कौन डर गया, खुद सुल्तान डर गया। और दूर खड़े सब काम सुल्तान को देख कर कि उनके दरबारी थे वो तो डर ही डर गए, वो तो कांप ही रहे थे, लेकिन अब सुल्तान खुद डर गया। सुनत सख्त कलाम दरमियान, उनके जो शब्द थे जोश भरे तो सख्त शब्द थे, उनको देख कर के सब औरंगजेब सहित पूरे डर गए। इनमें दस तन, अब उन्होंने एक षड्यंत्र किया,
वो जो 5 दरबारी जो होंगे उन्होंने षड्यंत्र किया, क्योंकि उनको सब पता लग गया ना कि इसमें जो 12 लोग हैं 12 में से 2 मुसलमान हैं, बाकी के 10 कौन हैं, हिंदू हैं, और ये 12 मिलके पूरे मुसलमान के भेष में हैं। तो उनके कान में जा कर के उनको बोल दिया कि बादशाह जी ऐसी ऐसी बात है कि हो सकता है किसी राजा का षड्यंत्र हो, भाई हिंदू राजा तुम्हारे पीछे पड़े हुए सारे, कई सारे पड़े हुए, एक के बाद एक पड़े हुए हैं, हो सकता है। क्यों? उसने बोला कैसे कि बोले इसमें 2 मुसलमान हैं बाकी हिंदू हैं, इसलिए तुम सीधी बात मत करो, जो उन्होंने कहा था कि रूबरू बात करने का था, तो सीधी बात मत करो। तब इशारत एक करी घर पहुंचा वो पोलाद खाना, उन्होंने पूरा कहा कि एक बार इसकी जांच पड़ताल की जाए कि कौन है, किसके भेजे हुए हैं, क्या चाहते हैं, और आपसे बात क्यों करना चाहते हैं, और क्या बात करना चाहते हैं, और किसके भेजे हुए आए हैं, और इसका इनका मकसद क्या है, ये पूरी बात इसकी में तहकीक करेंगे, निश्चय करेंगे हम। तब ये किसी दरबारी ने जा करके उनके औरंगजेब के कान में कह दिया। अब औरंगजेब खुद डर गया था, उसने मान भी लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं अकेले में बात करूं, क्या पता कोई तलवार निकाल के, कोई चाकू निकाल के मेरे को मार दे, या कुछ सुंघा दे, कोई खिला दे, कुछ भी कर सकता, कोई जहर खिला दे, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बोले तो छोड़ो, जो हमारा कोतवाल है, जो दरोगा है, मतलब डिमांड पे रिमांड क्या बोलते हैं, अभी वहाँ पे इनको भेज दिया जाए। तब मोमिन दुदले भय आया गुरु दरबारा। अब मोमिन के अंदर दुविधा हो गई कि अब क्या होगा, क्या हम इनसे बात सुनाएंगे। यूँ तिन्ने कहिया कोतवाल को, सुनो ए बिचारा। अब औरंगजेब ने एक सैनिक को बोला कि आप इन मोमिन को ले जा करके सिद्दी फौलाद को दे देना, और सिद्दी फौलाद को ऐसा कह देना कि पूरी बात तहकीक करो, मतलब पूरा सच का पता लगाओ, ऐसा उन्होंने कहा किया गया। अब औरंगजेब ने उसको उसने उस सैनिक को क्या कहा, उस सैनिक ने सिद्दी फौलाद को क्या कहा, और उस सिद्दी फौलाद क्या समझा होगा, और जो दरबारियों ने इनको क्या कहा होगा, वो पूरी घटना का यह विवरण नहीं है। तब से आज दिन लो ऐसा सख्त न बोलिया कोई। अब ये कह रहे हैं आज दिन, मतलब जब से औरंगजेब राजा बना है, दिल्ली का सम्राट बना है, तब से लेकर अभी तक इस मोमिनों को खड़े होने से पहले तक ऐसा सख्त जोश भरी आवाज़ में कोई भी नहीं बोला था। सुल्तान के मुंह ऊपर ऐसा मजा न कहूँ होए, बोले सामने खड़े उसके मुंह पे सुना दें, मतलब किसी की मजाल, मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं ऐसी करके, मतलब जो मोमिनों ने करके दिखाया ना, और कोई न कर सके जो मोमिनों से होए, ये बात और कोई नहीं कर सकता ना। जब मेला हो सी मोमिनों, तब देखसी सब कोई, और न कोई कर सके जो मोमिनों से, जो मोमिन कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अब ये जो वहाँ खड़े होने की हिम्मत, और खड़े हो करके ऐसे सवाल जवाब करने की हिम्मत सिर्फ मोमिन ही कर सकते हैं, और किसी में हिम्मत, चाहे वो कितना शूरवीर ही क्यों ना हो, अपने आप को कहता हो, चाहे वो किसी शेर को पछाड़ देता हो, लेकिन औरंगजेब के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। तो ये कह रहे यहाँ पर, इनो बातें करते करते कोई न आया दृष्ट, इनकी बातें सुनते कांपते सारी सृष्टि। मतलब जब ये औरंगजेब से थोड़े जब तक बातें की, तब तक जो दरबारी थे सब कांप रहे थे, डर रहे थे, और कांपते तो सारे सृष्टि, सृष्टि मतलब सब सारे दरबारी डर रहे थे कि पता नहीं हमारे से क्या हो जाए। वो तो कह पीछा फिरा इशारत भय सिद्दी फौलाद, तुम इनकी बात सुनिए, पूछो देखो बुनियादों। वो कह करके पीछे हट गए, और अब सिद्दी फौलाद के वहाँ ले गए, और उनको कहा कि इन तो पूछ लो पूरी बात क्या होने वाली है। अब औरंगजेब ने क्या कहा इनको, इनको निके राखियो खाने पीने की खिदमत। देखना औरंगजेब क्या कह रहा है, देखो भले कितना क्रूर है, भले वो डर गया है, फिर भी इनके दिल में ये है कि ये इमाम मोहम्मद मेहदी के मोमिन हैं, इसीलिए कोई भी इनको कोई दुख ना, कोई असुविधा ना हो, इसलिए तुम इसको प्रेम से अपने पास रखना, खाने पीने की खिदमत, और पूछ पूछ के खाने की, ऐसा नहीं कि जो कुछ बनाए फेंक के दे दिया, पूछना तुम क्या खाओगे, और जो खाओगे वो कहेंगे वही तुम बनाओगे,
उसके अतिरिक्त अपने मनमानी कुछ नहीं करोगे। दिलगिर होने ना पावहीं, दिलगिर मतलब दिल दुखे ना किसी तरह से, कोई दुख ना हो, ना तुम्हारे व्यवहार से ना तुम्हारे बोलचाल से। जकर के मैं सौंपे तुमको इत, मैं अब ये तुम्हें विश्वास के नाम पर तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसके दुख मत देना। इतना इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खबर। अब ये समाचार क्या हो गया कि भाई कोई 12 मोमिन, ऐसे ऐसे मोमिन थे, वो औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए हैं। पूरे दिल्ली में एक व्यक्ति ने सुनी, उसने सुनी, सब जगह खबर पड़ गई। और जो ये सुंदर साथ दिल्ली के थे उनके घर भी खबर पड़ गई। कई जिनके घर के संग थे तीन भया बड़ा डर। अब जिनके थे दयाराम थे कई, तो उनके घर में डर होने लग गया भाई अब तो क्या होगा। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुँचावे और। वो कह रहे हैं कि यदि हमें दयाराम यदि वहाँ से आ जाए और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पहुँचाना पड़े, चाहे हम किसी व्यक्ति को खरीद करके भी ले करके वहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन हमारे परिवार के दयाराम जी को हम छुड़ा करके लाना चाहते हैं। ये है खाने पीने की बात जो पूछी कोतवाल ने। अब कोतवाल पूछ रहा घर ले गया भाई, कुछ खाओगे पियोगे, बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा, तो मोमिनो मन विचार बोले ठीक है, हम अब विचार कर करके आपको बताते हैं। दस तन को लेके किए दो तन बराबर, संजा के समय मीने तब जाहिर हुई खबर। मतलब शाम के समय, इस समय में 4-5-6 बज रहा होगा, तुम अभी कहोगे तो 2 घंटे बाद खाना तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने क्या कहा, सब मिल करके हम शाकाहारी भोजन करेंगे। भले वो 2 मुसलमान थे लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़ करके राज्य के चरणों में थे। उन्होंने तो एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाई अदालत पूछी बात तमाम। अब यहाँ पर उन्होंने खाने पीने के पूछा, और एक बात इसमें जो भी उन्होंने सेवा की, अब जो काजी था, काजी शायद उनको कहते हैं जो कजा करता, कजा मतलब जो न्यायाधीश होता उस समय जो, तो उन्होंने अदालत को व्यक्ति में को वहाँ तब बुलाते हैं कोई झगड़ा का निपटारा करना। तो इन सब सुंदर को दूसरे दिन वहाँ पर बुलाया, तब बुलाई अदालत में पूछी बात तमाम। भाई अब फिर उन्होंने काजी ने पूछा, क्योंकि जो इमाम था वो इमाम तो वहाँ पहुँचा करके भेंट करवा करके चला गया, अब कौन रह गया, अब जो मोमिन है वो कहाँ है, सिद्दी फौलाद के पास हैं। अब कौन जो काजी हैं, वो जो धर्मगुरु न्यायाधीश हैं, वो वहाँ से बुला करके पूछते हैं। काफरों ने सुल्तान को एक शक लाया बीच ईमाना। काफरों ने, काफिर कौन, जो दरबारी खड़े थे उन्होंने राजा के कान में ये शक संशय डाल दिया कि ये किसी हिंदू राजा के भेजे हुए षड्यंत्र के शिकार आप हो जाओगे, इसलिए इनकी बात मत सुनना, इनसे आमने सामने बात मत करना, हम इनसे बात करेंगे। तो सुल्तान भी इनके चक्कर में आ गया, इनके षड्यंत्र, उनके षड्यंत्र में बादशाह आ गया झूठ में। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बातें सुनो कान, तुम्हें तुम मत सुनना। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, क्या पता किसी षड्यंत्र को लेकर के हमारे दुश्मनों ने ये इन लोगों को भेजा है। तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने, तुम अपने इस शरीर से रूबरू बातें मत करना। पूछा हूँ बात गुलाम से, आप क्यों पूछोगे, आप अपने सैनिकों से, अपने गुलाम, अपने जो ये सिद्दी फौलाद है, ये काम उनको सौंप दो। वह कहेगा आए तुम, वो पूछेगा उनको, वो जो बताएंगे लिख करके लाके तुम्हें बताएगा, इसलिए तुम आप चिंता मत कीजिए, जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम। अब ये कौन लोग, क्या होगा, अब ये किस प्रकार के लोग हैं, जब जैसा मालूम हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे और हम भी इनको देख लेंगे। अब कह रहे हैं जो शाह जहाँ के अमल में ऐसा कोई लियावे तूफान। अजी यहाँ औरंगजेब को अब फिर भड़का रहे हैं, बोले आप तो साक्षात सुल्तान हैं, यदि शाहजहाँ के दरबार में यदि कोई व्यक्ति आपके उनके सामने खड़ा हो करके यदि सब बोल देता जोश में और आंखें से आंखें मिला करके, क्या तो तभी मारे गर्दन और बात न सुने कान। बोले उनकी बात पूरी हो उससे पहले उसकी गर्दन उनके शरीर से अलग हो जाती थी। अर्थात ये इनको उकसा रहे हैं, जो दरबारी थे वो
औरंगजेब को उकसा रहे हैं, इनको तो रहे उम्मीद देखने की को तमाम। अब देखिए वो कितना षड्यंत्र कर रहे हैं औरंगजेब को उकसाने का, लेकिन औरंगजेब उन दरबारियों की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया, सुन करके भी अनसुना कर दिया। क्यों? देखने को इमाम, औरंगजेब को खुद इच्छा थी कि इमाम मोहम्मद मेहदी को मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, इसीलिए उनको विश्वास था कि ये उन्हीं के ही बंदे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में शक आ गया, इसलिए तिस वास्ते चुगली ना सुनी बात रद्द कर तमाम, इसलिए उन्होंने ये चुगली भी नहीं सुनी उन लोगों की, रूबरू बात करने का मान लिया सुकन्ना। देखिए यहाँ लाल दाजी क्या कह रहे हैं, औरंगजेब मान चुका है कि हाँ हम तुमसे रूबरू बात करने को तैयार हैं। पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिना। अब ये मान है, दूसरे चरण में क्या करें, क्रूर से क्रूर व्यक्ति के हाथ में इन 12 मोमिनियों को दे दिया पूछने के लिए। क्रूर से क्रूर कौन था? सिद्दीक फौलाद, जो सबसे क्रूर, मतलब चेहरे से ही क्रूर था वो, भीतर से उसका कितना क्रूर होगा पता नहीं, कितने जन्मों का पाप किया होगा उसने कि उसके अंदर दया करुणा प्रेम कुछ नहीं था करके। तो तब इन बादशों हुए मोमिन होशियार। अब सुंदर साथ के दिल में शक हो गया और उनके बात में हो गया कि अब हमें कहीं और भेजा जा रहा। अब उन्होंने आपस में बोला अब तुम सावधान हो जाओ आपस में, श्री राज के ठोर को किया ना खबरदार। बोले ये लोग हमें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं और पूछेंगे, सच उगलवाएंगे, श्री जी के बारे में पूछेंगे, वो कहाँ है, कौन है, कौन तुम्हें यहाँ भेजा है, कुछ भी पूछें। तो बोले कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन तुम सावधान रहियो, एक शब्द भी नहीं मुंह से निकालना श्री जी के बारे में। और कितनी कुर्बानी कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के हमें श्री जी सुरक्षित रहें, ताकि कम से कम हम कुर्बान हो जाएं, लेकिन जागने का काम और चलता रहे, ठीक है। इस प्रकार तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजकूर, तब तीनों से कहीं देवो जवाब सहूर। जब शेख इस्लाम को ये सब बात कही तो ये सब पूरी बात हुई, मतलब हम उनको जवाब दे देंगे, हमारे पैगंबर ने ऐसा क्यों फरमाया तुम्हें। अब यहाँ एक घटना और जो घटी है, विशेष रूप से कहीं निर्णय नहीं है और स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है इसमें। जब ये सिद्दीक फौलाद के वहाँ ले गए, सुंदर साथ को ले गए, ले जाने के बाद अब जब पता कि क्रूर व्यक्ति क्या कर सकता है, जब उनके हृदय में प्रेम है ही नहीं तो प्रेम से बात क्यों करेगा, दया ही नहीं तो वो कुछ करेगा नहीं, उनको तो जो समझ में आता है वही करेगा, ठीक है। यानी जैसे मान लो कोई एक जेलर है, वो एक कैदी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करेगा, प्रेम से तो कहेगा नहीं, वो उनका जैसा स्वभाव है वो ऐसा करेगा। तो इन 12 मोमिनों को उन्होंने कैसी शारीरिक पीड़ा दी, मानसिक पीड़ा नहीं दी उन्होंने, मानसिक पीड़ा उनको कुछ कह करके परेशान करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मानसिक पीड़ा नहीं दी, शारीरिक पीड़ा दी, और शारीरिक पीड़ा उन्होंने यह कह नहीं वो उसमें पाए कि हो सकता कि आने वाला सुंदर साथ क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या किस प्रकार उसको ग्रहण कर पाएगा, इसके योग्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये अभी तक पूरे संसार के लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको रात के अंधेरे में सिद्दीक फौलाद ने, आप देखिए हमारे जो देशभक्ति की फिल्में हैं, क्रांतिकारी की फिल्में हैं, उसको आप देखिए, अंग्रेज लोग वो उनको कितनी यातनाएं दे रहे हैं, जो कि एक नाटक के रूप में दिखाया गया है, कभी बर्फ़ की सिली पर लेटा करके, कभी वो कोड़े बरसा रहे हैं, कभी उल्टा लटका करके, कभी क्या क्या भूखे रख करके, कभी पानी नहीं दे रहे हैं, कोई एकदम सड़ा गला खाना दे रहे हैं, कितनी यातना दे रहे हैं, और एक अपने ही छोटे भाई के सामने बड़े भाई को परेशान कर रहे, बड़े भाई के सामने छोटे भाई को परेशान कर रहे हैं, तो ये इतनी यातना है। अब वो मुसलमान हैं, जो सबसे क्रूर अत्याचारी औरंगजेब यहाँ नरम हो गया, वहाँ प्रेम आ गया, लेकिन ये सिद्दीक फौलाद वहाँ जाकर के रात के अंधेरे में उनको कितनी यातनाएं दी, क्या उनको 12 जो मोमिन थे वो साथ में थे, या उनको अलग अलग कोठरी में ले जाकर अलग अलग रूप से ये सब यातनाएं दी,
तो अब वो यातना देने के दूसरे दिन जब इनको बुलाते हैं, अर्थात देखिए जागनी के काम में ये पहली बार जब से श्री जी ने या धन श्री देवचंद्र जी ने जब से राज जी ने दर्शन दिया, गांगजी भाई के घर प्रवचन शुरू किया और वहाँ से वो अंतर्धान भी हुए, फिर श्री जी के ऊपर आया, वो कहाँ अरब में गए, ओमान में गए, बगदाद गए, ठटानगर कहाँ कहाँ घूमे, सूरत से लेकर के अब यहाँ तक आए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने किसी भी सुंदर साथ को टच तक नहीं किया। ये पहली घटना इतिहास की हमारी है कि उनको इतना शारीरिक रूप से यातनाएं दी गई, और कितनी यातनाएं दी गई उसका हमारे पास कोई परिणाम प्रमाण नहीं है या उसका कोई नाप नहीं है। लेकिन अब ये सुंदर साथ का कहने का भाव देखिए, हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम हदीसा कुरान में यूँ कहया जो दीजे कसा लगुम। देखिए ये इस गुम, हम किसी को रिपोर्ट लिखवाते हैं गुमशुदा मतलब गायब होने का है ना, तो ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे कुरान में तुम्हारे पैगंबरों ने यही कहलाया, यही लिखाया है, यही सिखाया है कि कोई इस्लाम के ऊपर, निजानंद संप्रदाय के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास करके जो राह पे चलते हैं क्या तुम इतनी उसको शारीरिक यातनाओं दोगे। तो ये कह रहे ना हदीसा कुरान में यूँ कहिया, कहाँ पे लिखा हुआ है कि अब उनको उस काजी को पूछ रहे हैं कि जो दीजे कसाला गुम, तुम गुम मतलब इतनी चोट उनको देना उतने कि कहाँ लिखा, क्योंकि कभी भी मानसिक कष्ट को वाणी में कसाला करके प्रयोग नहीं किया है ना, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए होते ना, वहाँ पर ये नहीं है कि क्यों तुम्हें कोई मानसिक रूप से कोई शब्दों से कोई कुछ भला बुरा कहे और तुम उसको कसाला मानो, कसारा उसको माना जाए जो तुम्हें शारीरिक रूप से कष्ट देते हैं। अब बताए शारीरिक रूप से क्या उनके पीठ पे डंडे बरसाए होंगे, क्या कोड़े बरसाए, क्रूर थे वो, ठीक है, कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते। तो ये हमारे अपने हमारे मोमिन हैं, उनको कैसे क्या उनके अंधेरे में रात के अंधेरे में उनको बरसे, वो चिल्ला भी रहे होंगे, कौन सुन रहा होगा उनकी बात को, यदि वो यदि उनके बचाओ ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, हमें छोड़ दो वो ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राज्जी को अंतिम प्रणाम करके हम जिंदा लौट के आए तो ठीक है, नहीं तो हमारी आत्मा आपके चरणों में मूल मिलावा में हमारी पर आत्म वहाँ पर स्थिर है, हमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम तो ये काम करके रखेंगे। और कुरान के हदीसों में भी ये बात पहले से लिखी जा चुकी है कि जब इमाम की ये कयामत की बात लेकर के वहाँ सुंदर साथ जाएंगे उनको ये कष्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने कुर्बानी की है सुंदर साथ ने, तो ये वहाँ पर जो खुदा और रसूल पर लाया हो ईमान, कोई खुदा पर ईमान लेके आता तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो उल्टे, बोले हमें कष्ट दे रहे हैं, इन मोमिनों को कष्ट दे रहे हैं। अब अर्थात कष्ट देने के दूसरे दिन वो सुंदर साथ काजी को प्रश्न कह रहे हैं, तापर कसाला पहुँचत सुनो कलमा कान, मतलब कि यदि कोई कलमा पढ़ता है कुरान पढ़ता है तो बोले तुम उनको कष्ट दोगे, वो भी इतना कष्ट कि कोई मत सहन नहीं कर पाए, हम यदि करके देखें अपने आप को करके देखें कि हम केवल वाणी सुनने आते हैं या कहीं भी जाके सुनते हैं हमें कोई कष्ट नहीं है, और हम किसी को सुनाने जाते हैं और वो व्यक्ति मना कर देता है, हम तुरंत वापस कोई बात नहीं हम आ जाते हैं, हम नहीं सुनाते हैं, अर्थात डंडे की मार खा करके भी, कोड़े की मार खा करके भी उन्होंने जो कुर्बानी दी है, पता नहीं उन्होंने क्या तलवार भी निकाली होगी, क्या क्या सब कष्ट ढाए होंगे, हो सकता खाना ठीक से नहीं दिया होगा, दिया भी होगा एक रोटी छीन के वापस ले ली होगी, पता नहीं कुछ भी उन्होंने किया होगा, क्योंकि वो क्रूर थे, राक्षस थे, मतलब राक्षस से भी एकदम नीच बदतर थे वो लोग, इसलिए वहाँ कह नहीं सकते कितना कष्ट दिया था वो, और वो जाने, धाम धनी जाने, उनकी आत्मा जाने, हमें अनुभव नहीं भी हो रहा है कि वो कष्ट कैसा रहा होगा, क्योंकि हमने जीवन में राज्य की कुर्बानी के लिए इतना एक पल के लिए भी कोई कष्ट हमने किया ही नहीं है। तो सुन के काजी रोया, देखिए उनकी बात सुन करके कौन रो रहा है, वहाँ का काजी जो न्यायाधीश है दरबार का औरंगजेब, अब सुन हो सकता कि उन्होंने अपनी पीठ दिखाई होगी, हो सकता है हाथ पैर दिखाए होंगे,
जब एक मुसलमान क्रूर होता ही है वो यदि रो सकता है, तो सोच कि यदि कोई सुंदर साथ हम जैसे कोई सामान्य होता तो देख के मर जाता वहाँ पर, कष्ट होता। लेकिन राज जी ने उनके जीव को उनके तन में रखा कि तुम्हें कुर्बानी देनी है ताकि आने वाले सुंदर साथ को इस कुर्बानी का महत्व पता लगे और वो भी अपने आप को टुक टुक कर सके इस राह पर, इसलिए उनको सबको रखा। अब सोचो कि एक काजी हो रहा है, नहीं तो आप कभी करोगे कोई मुसलमान कभी ऐसे किसी हिंदू के दुख में कभी रोता नहीं है वो, लेकिन वो रो रहा है कि मतलब वो 12 मोमिन हो सकते कि रोते हुए ये व्यथा सुना रहे हैं, व्यथा सुना भी रहे हैं और शायद वो कुर्ता पहन रखा होगा वो उतार के दिखा, देखिए हमारे पीठ हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि मतलब कोड़ों की मार यदि एक बार होती है शरीर में तो कई दिन तक वो ऐसी ही रहती है। तब खलास करके लगाए नेक काम, अब को भी वहाँ से ला करके उनको अब क्या किया, अब वो काजी के पास जब तक रहेगा तब तक एक कर्ज लेता रहेगा इन मोमिनों पर, तो क्या बोला उनको वहाँ से छुड़ा करके नेक काम अर्थात हम अब मैं इनसे जाऊँगा वार्तालाप अच्छे काम कर जाऊँगा। क्या कह रहा है ना, कामों का धन लिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं लिखा जो मानी नहीं, क्या कह रहा था जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार क्यों हुआ, न हम कहूँ का धन लिया, हम किसी का धन चोरी करके नहीं आए जो हमें दी या न लिया है, ना कछु किया सजारा, हम कोई हमारे चरित्रहीनता की हमने कोई बात किसी को चर्चा नहीं की है, चोरी भी हम न करी, हमने किसी की चोरी भी नहीं की है, तो तुम ऐसा किया क्यों था, फिर ऐसी क्या दुश्मनी हमसे है जो तुमने ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म जो हमारे साथ कर रहे हो, हम न सोबल करे, देखो कितने दुखी हो गए उनके सिद्धि बोलाते मुसलमानों के व्यवहार से इतने दुखी हो गए। अब देखो श्री जी के पास से सुंदर साथ आए थे, वो ये करके आए थे कि हम पैगाम देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ दिल करके आए थे, इनका व्यवहार देख करके अब ये काजी को क्या कह रहे हैं, हम न सोबत करें सुल्तान, अब हमें इन शरीर के मुसलमान को इस सुल्तान और जेल से मिलने की कोई जरूरत नहीं, अब हम इनको पैगाम नहीं सुनाएंगे, न जाए इनके घर, अब हम सुल्तान के दरवाजे में नहीं जाएंगे, हम रहेंगे तुम पे, क्योंकि काजी हो सकता है काजी का दिल थोड़ा पिघला हो, पर हम तो बस आपके पास रहेंगे, हम सुल्तान के पास किसी के पास जाएंगे, सुनो तुम खबर, बस अब ये इमाम मोहम्मद नबी पट्टन की बात है, आप हमसे सुन लीजिए और जो कोई प्रश्न है आप हमसे कर आपको सुनाएंगे। तो उन्होंने इतना इंजुना सूरज पूछे थे इनके माने, बोले इतना इंजुना सूरज है मतलब ब्रज राजने का क्या महत्व है, को राजी हुआ जान पने। तब वो काजी थोड़ा प्रसन्न हुआ, उनको लगा कि हाँ ये हमारे सच्चे मोमिन हैं, ऐसा करके वो खुश हुआ। तब उनने सुल्तान सो कराई ये अरज, अब क्या किया उस काजी ने, एक पत्र लिखा औरंगजेब के पास, सुल्तान के पास एक अर्जी लिखी, निवेदन लिखा, इनों की खिदमत मैं करूँ, सुनो मेरी गरज। उन्होंने कहा कि हे बादशाह तुम मेरी गर्ज मेरी बात को सुनो, अब ये लोग जो 12 मोमिन हैं वो सिद्धि फौलाद के घर नहीं रहेंगे, उनके पास नहीं रहेंगे, अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, आप अनुमति दीजिए मैं उनको तुरंत वहाँ से ले करके आ जाऊँगा, क्योंकि इनका दुख देख के कष्ट देख करके वो इतनी दया कर रहे हैं इन पर। तभी हुक्म हुआ ले आओ अपने पास, तब उसने और तुरंत हुक्म दिया कि ठीक है आप अपने पास इन सब सुंदर साथ को ले आओ, इनों की खिदमत कीजिए दिल से छुट्टी आस, तुम इनके आराम से इनकी सेवा चाकरी करते रहना। उन्होंने इसी वक्त में कहा मंगाए मली दे देव इन, खिदमत करो इनकी ना दिलगिर होए आपन, अर्थात जो भी सामग्री इनको चाहिए खाने पीने रहने कापी किताब पीने जो भी चाहिए इनको ले आओ और दिलगिर, इसको कोई भी दुख होना नहीं चाहिए। ये कौन कह रहा है, वो जो काजी था वो कह रहा है यहाँ पर। अब ले गया अपने घरों रहने को दई ठोर, रहने के लिए अपने घर में जगह दिया, रूम दे दिया, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की। अब देख फिर भी इनको डर है,
सुल्तान ने अपना पहरा लगा दिया कि इनकी हर एक घटनाक्रम पे ये कहाँ जा रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कोई गुप्तचर तो नहीं है। तो इनके एक तरह से इनको नज़रबंद कर दिया, हर काम इनकी नज़रों के सामने होगा। चूँकि रहे लोग बातें करें, और अब और ये पूरी बातें क्या हुई, दरबार से होती हुई पूरी दिल्ली में सब जगह चल गई। जैसे अभी कोई बात एक देश के कोने में घटती तो मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन एक के कान से दूसरे के कान से होते होते कि भाई ऐसी अनहोनी घटना दरबार में हो चुकी है, ऐसे ऐसे लोग वहाँ चले गए हैं, और ये बात सुंदर साथ में सब जगह सृजित तक सबको पता लग गया। ये ऐसी बातें हुई है। दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजकूर, तहाँ बातें लगा पूछने सब कहने लगा मजूरा। तो ये अब वो अपने घर ले गए, और ये अब इस सारी बात जितनी बात होगी ये सब की ही इन्हीं के साथ में ये बात होगी। हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, और जो कुछ अभी बात और क्या बात होने वाली है, कब तक इसमें रहेंगे वो कल हम सुनेंगे इस प्रकरण में। अभी 5-6 दिन की इसमें बितक और हैं कि एक कोई हिंदू एक व्यापारी भी है उनके वहाँ, तो वो व्यापारी भी होता है, तो वो जो काजी है उनको बोलता है देखो इन हिंदुओं को देखो, ये रसूल साहब के ऊपर कैसा ईमान लेकर के आए हैं। तो वो फिर उनको डर लग जाता है, देखो ये हिंदू हो करके इतना ईमान लेकर के आए, तो वो अपने घर भाग जाता है। अब फिर जब वो काजी जो कुछ भी सुनने की बात करता है, तो वो सनंद की वाणी खोल करके लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, ये सब लोग उनको सुनाते थे। मिलाप हुआ मेहंदी सो तब कहया महामती नाम, और उनका महामती नाम के और कैसे मिलाप हुआ वो सब कुछ उनको बताते हैं। ये बात सुन के कहया अब रखो किताब, तीन बेर फेर फेर के पूछा इनकी बाब। बोले अब आप को अपनी किताब को रख दीजिए, और बार बार वो क्या पूछ रहे हैं कि जो आपके जो फ़कीर जो महात्मा जी वो कहाँ हैं, वो बार बार भेद लेना चाहते हैं। पर अब बात तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान। अब देखिए सब बात हो गई, सब पहचान दे दी, और पहचान देने के बाद अब उस काजी ने मान भी लिया कि ये जो घटनाएं उन्होंने दोनों किताबों को मिला के देखा, तो वो समय इमाम का जो जाहिर होने का वो सही था। अब काजी सुंदर साथ से निवेदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर अब बात तुम छिपाओ, तुम ये कयामत की बात आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी की बात आप जाहिर नहीं कर सकते, अर्थात आप जाहिर नहीं करोगे। जिन करो जाहिर पहचान, आप जाहिर में किसी को नहीं बता सकते, जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रहण, बल वो अपने आप जाहिर होंगे तब हम खुद उनके चरणों में आ जाएंगे, लेकिन तुम जाहिर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ भी उनके मन में भी पाप था, शरीयत था, कि यदि औरंगजेब पता लग गया, वो चला गया एक हिंदू महात्मा के उसमें, तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, वो सब जगह हिंदुत्व का प्रचार हो जाएगा। तो फिर कर मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल, मोमिन तो बेचारे बस केवल बाहर से शारीरिक बल बड़े दुबले पतले गरीब हैं, वो उनके ऐसी कोई ताकत नहीं है, बकरी जता बल पड़े बाघ ज्यों बोल ही। अब जो पढ़े लिखे दरबारी हैं वो तो अपने पद के अहंकार में शेरों की तरह दहाड़ के डराते हैं उनको करके, ये सीधे निर्मल, और हमारे जो मोमिन थे बड़े सीधे निर्मल, जो पूछो तुरंत हाजिर जी करके। तो ये पूरी बितक कैसे कष्ट दिया, और उससे उसने काजी ने कैसे ला करके रखा, क्या बात हुई, और बात मान भी ली, और ये भी कह दिया अब हम जाहिर नहीं करना है। अब करें महमद कहे मोमिनो, ये काजी के घर की बितक बात, उस काजी के घर में कितनी बात हुई है वो ये बितक है। अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्या था, अब ये बात अब तक श्री जी को पता नहीं थी जो कष्ट वाली, तो ये बात अब जो राज्य को पता लगेगी ये बात वहाँ, तो वो क्या रिएक्शन करेंगे, क्या प्रत्युत्तर होगा, वो हम फिर विस्तार पूर्वक कल सुनेंगे। तो आज इतना करके बितक चर्चा को यहाँ विश्राम करते हैं और चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो,
ए काजी के घर की बितक बात, ए काजी के घर की बितक बात, अब कहो हादी की, जिन खबर सुनी विख्यात, जिना खबर सुनी विख्यात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।